चले जी इब्तिदा करते हैं। चले मेरा बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इब्तिदा करते हैं। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करते हैं और सर क्विकली एपीएस का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम पास पेपर्स पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके थे, अब तक हम 5 पास पेपर्स कर चुके थे और एक पास पेपर का सवाल मैंने होमवर्क के तौर पर भी दिया था और जो मुझे उम्मीद है कि मेजॉरिटी ने नहीं किया होगा, है ना सर। क्यों नहीं करते हम सवाल? इसलिए कि सर ना हमारे पास टाइम है और टाइम है तो दिल नहीं है सवाल करने का, है ना सर। चलें सर, तो ये सब चीज़ें टीचर को पता होती है, इसीलिए टीचर कोशिश करता है कि आपको सारे सवाल करवा दे। सही है, अब तक हमने इसका कोई भी लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन नहीं बनाया, है ना सर, कोई भी नहीं बनाया इसके। सर इसके लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह आगे जो जो बढ़ते जाएंगे बनते जाएंगे। सर एक सवाल इसका ऐसा है जो शायद अभी हम ना कर सकें। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि सर वो हम IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बात कर सकेंगे। ठीक है सर, अगर वो सवाल ऐसा ही है कि हम IS-19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बात कर सकेंगे तो ठीक है सर। चलें सर इब्तिदा करते हैं और इब्तिदा करते हुए हम क्या कर रहे हैं? इब्तिदा करते हुए सर जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि हमने सर अब तक जो पढ़ा था उसको लेकर चलेंगे आगे और फिर हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट चीज़ों को हम एवेल्यूएट कर रहे होंगे। चलें सर, हमने कहा बेसिक EPS डिनोमिनेटर में 5 शरारतें, न्यूमिनेटर में 2 शरारतें, उनमें से जो NCI के शेयर वाला हिस्सा था वो हमने पिछली क्लास में कंसोलिडेशन वाला सवाल भी देख लिया था पास पेपर का। एक और सवाल है कंसोलिडेशन वाला, लेकिन वो शायद अभी हम इसके साथ नहीं कर पाए क्योंकि उसके लिए IS-19 की मैं चाहूंगा आपको नॉलेज हो जाए, उसमें इधर उधर की थोड़ी नॉलेज है सर। फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था सर? और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर डिफरेंट हमारे पास जो है चीज़ों की ट्रीटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं सर। जैसे कि आप एग्जाम्पल देके बताएं, हमने पढ़ा था सर डिजाइल, हम आए थे, हम जो है हमारे पास कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स होते हैं, उसके अंदर हमने देखा था सर डिफरेंट चीज़ें थी जिसको हमें लेकर चलना था कि अगर जो है कंडीशन अर्निंग से रिलेटेड है तो वहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फिगर को देखना है, अगर मार्केट प्राइस से है तो आपको देखना है कि रिपोर्टिंग डेट पे मार्केट प्राइस का टारगेट जो है मीट हो गया, और सर हमने कहा कोई अदर कंडीशन थी तो उसमें भी आपको रिपोर्टिंग डेट पे स्टेटस चेक करना है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने पढ़ा था कि सर जो है डायल्यूटेड EPS पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उनके अंदर खासियत क्या होती है, फ्यूचर में शेयर्स आपके बन सकते हैं, उसमें हमने कहा था 3 मेजर होते हैं, ऑप्शंस होते हैं और हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और तीसरे होते हैं कन्वर्टेबल लोन वगैरह। हमने कहा सर ये जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस के केस में ज़िंदगी थोड़ी सी आसान होती है। क्यों आसान होती है ऑप्शंस के केस में ज़िंदगी? क्योंकि हमने कहा सर ऑप्शंस के केस में न्यूमरेटर के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, डिनोमिनेटर के ऊपर जितना इंपैक्ट आ रहा होता है वो आता है। उसका एक फार्मूला था कि हमें फ्री शेयर्स कितने मिलने हैं, उसको निकालने का एक फार्मूला था, और सर वो फार्मूला क्या था इसको निकालने का फार्मूला? उसको निकालने का फार्मूला था कि नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। सही है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने कहा कन्वर्टेबल जो लोन होता है, कन्वर्टेबल जो लोन होता है सर उसके ऊपर क्या शरारत थी? कन्वर्टेबल लोन में हमने कहा इंटरेस्ट अगर आप उसको अज्यूम करेंगे डायल्यूटेड EPS की कंप्यूटेशन में तो आपने कहा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपने पे किया होता है वो माइनस किया होता है आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने के लिए, उसको आप ऐड बैक कराते हैं नेट ऑफ टैक्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को आप ऐड कर लेते हैं सर। फिर और क्या चीज़ थी? फिर और चीज़ थी कि सर इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ थी, वो एक और चीज़ क्या थी सर? इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ थी, वो ये थी कि हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर ऐड हो जाते हैं सर। तो हमने प्रेफरेंस शेयर्स की परमिशन का जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सर वो इररिडीमेबल हो या रिडीमेबल हो, अगर वो इररिडीमेबल है तो हमने कहा वो डिविडेंड होते हैं और रिडीमेबल उनका इंटरेस्ट होता है, पर याद रखिएगा उनके ऊपर टैक्स बेनिफिट हम कंप्यूट नहीं करते डायल्यूटेड EPS की वर्किंग के अंदर। चलें सर, अब अगर हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं तो बढ़ जाएं आगे, इब्तिदा करें आगे बढ़ते हुए। जी सर, चलें अब इब्तिदा करते हैं। हमने कहा सर इब्तिदा करते हुए हम क्या कर रहे हैं? हम इब्तिदा करते हुए सर एक सवाल मैंने होमवर्क दिया था, पहले उसके ऊपर आएंगे। सवाल का नाम था कृष्णा लिमिटेड, कृष्णा लिमिटेड समर 2013 का सवाल था, पेज नंबर 13 पे था, आपके पास जो हैंडआउट अवेलेबल है उसके। समर 2013 का सवाल था, पेज नंबर 13 पे है। सही है सर, इससे पहले और ये क्वेश्चन नंबर 47 है वैसे हमारे पास हैंडआउट में, क्वेश्चन नंबर 47 कृष्णा लिमिटेड। चले सर सवाल क्विकली पढ़ेंगे, होमवर्क के तौर पे आपको दिया था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा।
सवाल कहला है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू कृष्णा लिमिटेड हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2012। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिया हुआ था, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और डिसकंटिन्यूड है, ठीक है सर। फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर सेल नेट ऑफ टैक्स, सर ये फेयर वैल्यू गेन अवेलेबल फॉर सेल इन्वेस्टमेंट हो गई है अब आजकल फेयर वैल्यू थ्रू OCI, जो हमने शायद FIR 2 में देखा हो, ये OCI का आइटम है, इसके ऊपर हमने कहा EPS नहीं आती, ठीक है सर। फिर और आगे बढ़े, शेयर कैपिटल आ गया एज ऑन 1 जनवरी 2012, 8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच, 5 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच, इंटाइटल टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड कितना था वो भी हमने देख लिया, 12% था। फिर हमने कहा 20, इसके बाद ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिविडेंड इज पेड ऑन 28 फेब ईच ईयर, 5 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 रुपए वाले। फिर हमने कहा सर 20% हमारे पास जो है बोनस शेयर्स थे और ये बीइंग द फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2011 था, हम 2012 में करें, 2011 का फाइनल डिविडेंड था, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट इस साल आएगा, ठीक है सर। फिर हमने कहा और वर इशूड ऑन 31 मार्च 2012। फिर आगे 30 अप्रैल 2012 को होल्डर्स ऑफ 80% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड देयर शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स। फिर हमने कहा ऑन 1 जुलाई 2012 KL इशूड 20% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एट ₹70 पर शेयर, द मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज वाज ₹80। फिर आ रहा है ऑन 1 अगस्त 2011 KL ग्रांटेड 2.5 मिलियन शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 20 टेक्निकल मैनेजर्स। सर ये पॉइंट इस सवाल में थोड़ा सा नया था, क्या नया था, the managers would become eligible to exercise these options on completion of 5 years of service with KL. sir zara koi mujhe batayega isme kya cheez nahi thi, kya koi batayega iske andar kya cheez nahi thi, matlab what's new sir, kya cheez nahi thi, soche ji sir, ek dost ne jawab diya thoda sa differential sir iske andar नहीं सर कुछ बच्चा सर इसके अंदर नई चीज, ऑप्शंस तो ऑप्शंस थे सही है, एम्प्लाइज को ऑप्शंस थे सही है, ये आप सही कह रहे हैं मेरा चंदा, लेकिन लेकिन क्या चीज नहीं थी सर इस सवाल के अंदर। अब तक जो ऑप्शन था वो हमने कहा था कि सर फ्री का ऑप्शन है, अब तक जितने भी हमने सवाल पढ़े सर उनके अंदर क्या था, अब तक जितने भी हमने सवाल पढ़े उनके अंदर क्या था जल्दी बताएं सर, ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस होती थी, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस गिवेन सर, यहां पर एक चीज लिखी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन एज ऑन 1 अगस्त 2011 वाज ₹40। इसका क्या करना है, तो इसको इग्नोर करना है, इसको आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि सर ये IFRS 2 के ऊपर इसका जो है इंपैक्ट आता है। तो सर चलें इब्तिदा करते हैं, हम क्या करते हैं सर इब्तिदा करते हैं, और इब्तिदा करते हुए हम क्या करेंगे सर, इब्तिदा करते हुए हम एक काम करेंगे, और हम एक काम सर क्या करेंगे, हम एक वर्किंग बनाएंगे, वर्किंग जो कि बेसिक ईपीएस हमें निकालने में मदद देगी। हमने कहा आए सर कंप्यूट करेंगे सबसे पहले बेसिक ईपीएस, क्योंकि हमें पास कौन कराएगा जल्दी बताओ, हमें पास कौन कराएगा बेसिक ईपीएस, चाहे सवाल कोई भी हो पास करवा देती है बेसिक ईपीएस। और बेसिक ईपीएस में कितनी चीजें, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और चले सर, और मैंने आपको बता दिया था डिविडेंड किनको मिलता है, कौन से शेयर्स को मिलता है जो कि साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग हो। चले सर अब आए, और हमने कहा बेसिक ईपीएस पासिंग मार्क्स अप्रोच, बेसिक ईपीएस पे हम आए सर, इसमें एक्सट्रैक्ट्स है, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स अब हम क्लास में नहीं बनाएंगे, आप खुद से बनाएंगे, या आपका होमवर्क होगा हर सवाल में, तो एक्सट्रैक्ट सिंपल है आप बनाना सीख चुके, बेसिक बता दो, डाइल्यूटेड की रिकॉन बता दो, और बता दो जो एंटी डाइल्यूटिव है उनके बारे में, और कुछ भी नहीं है। चले सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल पे अगर मैं आऊं, तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल सवाल में गिवन है कंटिन्यूइंग का भी और डिसकंटिन्यूड का भी, है ना सर, कंटिन्यूइंग का कितना है भाई 2 लाख, और हमने कहा डिसकंटिन्यूड का कितना है सर 10,000, तो कंटिन्यूइंग का है 2 लाख, डिसकंटिन्यूड का है 10,000, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल हमारे पास इतना है, ठीक है सर बेस्ट हो गया। फिर हमने कहा सर एडजस्टमेंट आएगी यहां पर, किस चीज की एडजस्टमेंट आएगी मेरा बच्चा बताएं, किस चीज की एडजस्टमेंट आएगी सर, वो इररिडीमेबल शेयर्स जो साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग हैं, और जिनके ऊपर हमने कहा
कि जो है आपने कह दिया कि सर क्या होगा। अच्छा हम आते हैं, बताएं सर, 5 लाख कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 12%। कुछ नहीं बताया, हम अज्यूम करेंगे एलरेडीमेबल है। सही है सर, कन्वर्टेबल है, एलरेडीमेबल है। ईच शेयर कन्वर्टेबल इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स एंड डिविडेंड इज पेड ऑन 28 फेब। सर अब जरा मुझे बता दें कितने की एडजस्टमेंट आएगी, कितने की एडजस्टमेंट आएगी इस पॉइंट की वजह से। 5 लाख शेयर्स थे, इस पॉइंट को पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 के साथ, 30 अप्रैल 2012 को 80% कन्वर्ट भी हो गए 31 दिसंबर को, इसका मतलब है 20% खाली बचे हुए हैं। ऐसा ही है सर, 31 दिसंबर को कितने परसेंट बचे हुए हैं, 20%। और आपने कहा सर 20% के ऊपर कितना शेयर हम देंगे, परसेंट सोचें सर, आंसर चाहिए आपसे, इतने इस काबिल हैं अब आप लोग के आंसर दे सकते हैं मेरा चंदा। बहुत सिंपल है सर, 5 लाख शेयर्स हैं, क्या आंसर है भाई? नहीं सर, अगर कन्वर्टेबल हमने कहा वो भी हो सकते हैं आपके, मतलब वो डाइल्यूशन में तो आएगा, लेकिन कन्वर्टेबल आपने कहा सर जो है इररिडीमेबल भी हो सकते हैं। कुछ नहीं लिख रहा, आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स को अज्यूम करना है इररिडीमेबल, जब तक वो आपको एक हिंट ना दे, इशारा ना दे। जो आवाम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रही है सर, उनके भी सवालात तो माशाल्लाह आ रहे हैं, लेकिन सवालात अगर कोई आए तो जैसे दैनन्दिन जरा वो भी कर। चले सर कितना आया? नहीं सर, 5 लाख का 12% नहीं करेंगे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 20%। क्यों सर? 80% कन्वर्ट हो चुके हैं, 80% कन्वर्ट हो चुके हैं, जो अब कन्वर्ट होना बाकी है वो सिर्फ 20% बचे हैं। अगर आप गौर से देखें मेरा चंदा, तो 80% कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है ना सर? 1 जनवरी 12 का आपको ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं, 5 लाख कन्वर्टेबल शेयर्स थे, और फोर्थ में कह दिया उसने 30 अप्रैल को इतने परसेंट कन्वर्ट हो चुके, मतलब सिर्फ 20% बचे हैं। और सर अगर जो सिर्फ 20% बचे हैं तो इनके ऊपर 12% का डिविडेंड कितना बनेगा साल के एंड पे? 1200 है ना सर? हमने कहा 1200, हमने कहा जी सर 1200 रुपीज इन 1000 ने, वैसे 1.2 बनता है, तो ये बना 1200। और हमने कहा सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आ गया, ये आ गया 10,000, ये आ गया 198,800। सही है सर, ये तो आ गया प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल इस सवाल में, बाकी तो कोई और शरारत न्यूमरेटर में नहीं थी। पासिंग मार्क्स अप्रोच सीखो सर, यही तो चीज़ों में इंशाल्लाह तुम्हें डिफरेंशिएशन तरीके से पढ़ानी है ये सर, जो यूजुअली मार्केट में लोग नहीं पढ़ाते, कि पास होना सीख जा भाई, तू पास होना सीख जा, अगर तू पास होना सीख गया तो तेरी दुनिया है। चले सर हम आए वेटेड एवरेज शेयर्स पे, नंबर ऑफ शेयर्स गुंजाइश नहीं सर बोर्ड पे, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड सर, फैक्टर निकालेंगे, कौन कौन से फैक्टर निकालेंगे भाई, कौन कौन से फैक्टर निकालेंगे? हमने कहा आए सर सवाल में देखते हैं, हाँ हमने कहा सर सवाल में देखते हैं, सवाल में देखते हैं, और उसने हमें कहा राइट शेयर कंपनी दे रही है और बोनस भी दे रही है। बोनस का फैक्टर तो बहुत सिंपल है, 20% बोनस है, तो इसका मतलब क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 10, 1/2 है ना सर? राइट शेयर्स कह रहा है कि ऑन 1 जुलाई 2012 के लिए इशूड 20% राइट शेयर्स टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट ₹70 पर शेयर, मार्केट प्राइस प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द एक्सरसाइज डेट वाज ₹80 पर शेयर। चलें जी अब आए, हमने कहा ये हो गई वर्किंग वन, प्रेजेंटेशन भी सीखे मेरा बच्चा, ये वर्किंग 1.1, बोनस फ्रैक्शन कितना सर 1.2, कैसे निकाला, 12 डिवाइडेड बाई 10 है ना सर, 20% बोनस ना, जिसके पास 10 से ऊपर दो, 4.1.2 RIBF पे आए, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज प्राइस या TRP, ये 80 थी, TRP पे हमने कहा आना है
और टीआरपी आपने कैसे निकाली, वेटेड एवरेज प्राइस कितना, बोनस कितना भाई, ये राइट इशू कितना कर रहा है ये 20%, मतलब जिसके पास पहले 10 शेयर थे हमने कहा उनको ये बाकी शेयर देगा, तो हमने कहा 10 शेयर्स एट रुपीज 80 और दो शेयर्स एट रुपीज 70 है 800 डिवाइडेड बाई 140, हमने कहा 940 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो गया भाई, ये RIBF कितना हुआ 940 डिवाइडेड बाई 12 78. हसबे जायका 3। सर यूं भी निकाल सकते हैं और आप टोटल की बेसिस पे भी निकाल सकते हैं जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा था, ठीक है मेरा बच्चा, दोनों ऑप्शंस आपकी बेस पे हैं। चले सर, हमने कहा पीरियड बोनस फ्रैक्शन, राइट इशू बोनस फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हैं ये भी देख लेंगे। चले सर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जल्दी बताएं, 8,000, ठीक है सर। साल के शुरू में, साल के शुरू में थे 8,000 शेयर्स, क्लियर हैं? जी सर क्लियर हैं। चले सर, हमने कहा अगर साल के शुरू में थे 8,000 शेयर्स, साल के शुरू में सर थे 8,000 शेयर्स और हमने कहा इसके बाद सर क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 8,000 शेयर्स साल के शुरू में थे, उसके बाद कंपनी ने जो है बोनस इशू कर दिया है 3 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद कन्वर्ट हुए शेयर्स और 1 जुलाई को हो गया है हमारे पास क्या सर, राइट इशू, है ना सर। चले 8,000 3 महीने के लिए रहे, बोनस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे 12/10 और 80 डिवाइडेड बाय 78.33। चले सर, फिर हमने कहा 8,000 थे, 20% बोनस इशू कर दिया, है ना सर, तो 8,000 का इंटू 1.2 9,600 हो गए, ऐसा ही है सर, इसको कितने टाइम के लिए, 1 महीने के लिए हुए, है ना सर, बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा सर, बोनस को ऐड कर दिया 80 डिवाइडेड बाय 78.33। सर फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े और हमने कहा सर कितने शेयर्स थे भाई, 9,600 थे और इसने कहा प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए, किस रेशो में कन्वर्ट हुए, किस रेशो में कन्वर्ट हुए प्रेफरेंस शेयर्स जल्दी बताओ, सवाल में सर सब गिवन है, बिल्कुल सब गिवन है सर, अगर आप सवाल को गौर से देखें मेरा बच्चा तो सवाल के अंदर सब कुछ गिवन है सर, ये कह रहा है ये कन्वर्ट हुए हैं 5,00,000 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिविडेंड क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 12 ईच शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू टू ऑर्डिनरी शेयर्स, एक शेयर के बदले में मिले हैं दो, तो 5,00,000 का कितने परसेंट कन्वर्ट हुए 80%, 80% का मतलब ये 4,00,000 शेयर्स कन्वर्ट हुए, है ना सर, 5,00,000 का 80% 4,00,000 और एक शेयर के बदले में दो ऑर्डिनरी शेयर मिले, तो सर ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर ये 8,00,000, है ना सर, कौन सी ये 9,600 बोनस के साथ। चले सर, हमने कहा 9,600 हो गए, फिर हमने कहा सर इसमें क्या प्लस करूंगा, क्या प्लस करूंगा, हमने कहा सर इसके अंदर प्लस करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर्स जो नए कन्वर्ट होकर आ रहे हैं, 5,00,000 का 80% मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 4,00,000 × 2, 800 नए शेयर्स हो गए, टोटल आ गए 10,400 शेयर, ये आ गए आपके पास कब सर, 30 अप्रैल को शुरू के 3 महीने मार्च तक, ये मार्च के एंड पे बोनस हुआ, बोनस के 1 महीने के बाद 30 अप्रैल को क्या हुआ, आपने कहा जो है प्रेफरेंस शेयर जो है कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑर्डिनरी शेयर्स में 80%, 5,00,000 का 80% कितना बना 4,00,000 शेयर्स, सही है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुए, उसने कह दिया एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में कितने ऑर्डिनरी देगा, दो देगा, तो एक के बदले में जब दो के उसमें कन्वर्ट हुए तो 800 मतलब 8,00,000 नए शेयर्स आ गए आपके पास, हमने कहा हम रुपीज इन 1,000 में जा रहे हैं, हम इन 1,000 में अमाउंट इन वैल्यूज इन 1,000 में जा रहे हैं, तो हमने ये ले लिया, ये हो गया 3/12 कितना हो गया 3/12, किस किस महीने का सर ये हो गया 3/12 आएगा 2/12 आएगा, हमने कहा सर ये आएगा 3/12 या 2/12, हमने कहा 2/12 आएगा ना सर, क्यों सर 2/12 क्यों आएगा, इसलिए आएगा 2/12, 30 अप्रैल को ये हुआ था, मई जून और 1 जुलाई को आपने राइट इशू कर दिया, 1 जुलाई को आपने क्या कर दिया है राइट इशू, तो हमने कहा 2 महीने का ये आएगा 2/12, सर क्या इनको राइट का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तो ये कितना हो गया भैया 80 डिवाइडेड बाई 78.33
अब हमने कहा सर एंड में क्या हुआ, सबसे एंड में हो रहा है राइट इशू सर। हाँ 1 मिनट, 31 मार्च से 30 अप्रैल, बेटा कितना टाइम हो गया, 1 महीना हुआ ना इसमें, 1 महीना लिया बोनस के बाद, 1 महीना राइट इशू के बाद, 2 महीने में जून है ना सर, 30 अप्रैल को राइट इशू हो गया उसका अपना, 30 अप्रैल को शेयर्स कन्वर्ट हुए, इसके बाद मई जून के बाद अगला हो गया राइट इशू। तो जो 10,400 शेयर ले 2 महीने, फिर हम आगे बढ़े सर, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा, हमने कहा सर राइट इशू हो गया 10,400 मल्टीप्लाई बाई 1.2, 20% राइट इशू हुआ, कितना हो गया भैया। अब तुम चाहते तो टीआरपी के लिए ये फिगर भी यूज कर सकते थे, 10,400 इसका फिर निकालते 20%, 10,400 शेयर रुपीज 80, इसका 20% तो तुम मान सही ना सर। तो हमने कहा वो बात एक ही होती, टीआरपी इतना ही आता कि तुम 10,400 यहाँ पर ले लेते, 10,400 का 20% यहाँ पर लेते और टोटल की बेसिस पे निकाल देते। लेकिन हम उस तरीके पर जाते मजबूरी में, जब वो हमें बता देता है कि टोटल इतने नंबर ऑफ मैंने शेयर इशू किए, सही सर, वरना अगर हमें पहले से बता दे 20% राइट इशू कर रहा हूँ या 4-4-1 कर रहा हूँ, तो हम पहले ही टीआरपी और बोनस फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, सही है सर, ताकि जो इनके मार्क्स हो सवाल के अंदर निकालने के वो हम पक्के कर लें, सही है सर। मजबूरी में हम जाएंगे कि हम टोटल की बेसिस पे कब जाएंगे, जब वो हमें ये बता दे टोटल नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं, ये नहीं बताए कि 4 पे 1 राइट मिल रहा है, 20% राइट है, तब हम मजबूरी में ये राइट इशू बोनस फ्रैक्शन बाद में निकालेंगे यहाँ पर पहुंच के, वरना नॉर्मल केसेस में पहले निकाल देंगे। याद रखना पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है, इसके मार्क्स पक्के करो। चले सर 12,480, पीरियड कितना है, तीन चार छ, 1 महीना क्यों, उसके बाद अगले क्या और कुछ भी नहीं, ऑप्शंस का यहाँ पढ़ाएंगे सर, ऑप्शन तो अभी दिए हैं 6 महीने। डाइल्यूटेड ईपीएस को बेसिक के साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं, कितना हो गया, चलो भैया मुझे बता दे जाए ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं, जल्दी बताते जाएं। एक बच्चे ने कहा सर 2,4,5,1 आ रहे हैं, पहले के केस में आ रहे हैं 2,4,5,1, दूसरे के केस में 1,770, तीसरे के केस में, और 6,240 चौथे केस में 1,770, दूसरे का बताओ 6,240 और ये 8,170, टोटल कितने शेयर हो गए भाई, जल्दी अल्लाह के वली, तो हमने कहा सर वेटेड एवरेज शेयर्स आए 11,278, बेसिक ईपीएस कितनी आ गई, 198, अबे नहीं इतनी, टोटल बता अल्लाह की वली, 17.62, तो ये 63, 11,278, चलें सर ये कॉपी कर लें, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो सही है सर, ये कॉपी करें सर, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे आगे बढ़ेंगे मेरा बच्चा। और सर हमने कहा फिर आगे बढ़ते हुए, अब्दुल गफ्फार दोस्त कहाँ है तेरे, आज तू भी लेट आया ना अब्दुल गफ्फार, आग लगी है बस्ती में और हम सब अपनी मस्ती में है।
कर लिया कॉपी, बढ़ जाऊं आगे। सर पास कौन कराएगा? बेसिक ईपीएस। सर फिर डेलीटेड में क्या करेंगे? डेलीटेड में सर बहुत सिंपल है, डेलीटेड में सर यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑप्शंस और प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए जी, बेसिक ईपीएस करके हम बढ़ चुके हैं आगे, बढ़ रहे हैं आगे। वाह भाई वाह, अब्दुल गफार क्या बात है। सर सीजन आ रहा है, मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आवाम से भी मशवरा लेंगे, जो रिकॉर्डेड देखें वो भी अपने मैसेज दे सकते हैं। सर सीजन आ रहा है, अब दो चीज़ें हैं सर। एक तो मैं सोच रहा था कि हम कोई नया टॉपिक इंटरेस्टिंग सा बड़ा वाला स्टार्ट करें, सही है। दूसरा मैं चाह रहा था कि भाई अभी जो बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट और मुश्किल और अच्छे वाले टॉपिक हैं वो अभी स्टार्ट ना करें, और हम उनको जैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो तीन टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत अच्छे हैं, और पेपर का आप समझेंगे वो तीन टॉपिक हर अटेम्प्ट में 45-50-50 नंबर तो कहीं देंगे उन टॉपिक से। वो है IFRS 9, IFRS 15 और कंसोलिडेशन। सही है सर, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी सर छोटे टॉपिक हैं, लीज भी यहाँ पर छोटा है, IFRS 2 शेयर बेस पेमेंट भी छोटा है, बाकी टॉपिक भी। तो मैं सोच रहा था कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, फिर मैंने कहा यार बच्चों की क्लासे वगैरह और यहाँ पे लेट सीटिंग भी सीजन चल रहा है, तो ये भी चल रहा है, तो लेट्स सी। तो आप लोग भी मशवरा दे सकते हैं सर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। हल्का या भारी, मतलब हल्का टॉपिक स्टार्ट करें अभी या भारी? हल्का इन सेंस के सर वैसे तो टॉपिक भारी होगा, यहाँ के हिसाब से हल्का होगा। चलिए जी आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर बेसिक ईपीएस तो हमें पास कराएगी, लेकिन जो असल है वो है डाइल्यूटेड। लेकिन सर ये पासिंग मार्क्स है, आपने कहा पेपर के 50% मार्क्स आपको बेसिक ईपीएस से सवाल चाहे जैसा भी हो आप बेसिक ईपीएस से निकाल सकते हैं। आए सर अब हम आएंगे और हम आएंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग पे। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर याद रखना, सबसे पहले आपको दिमाग में अपना आपको कुछ सवाल पूछते हैं सर। बेसिक ईपीएस प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल वेटेड एवरेज, डाइल्यूटेड में आओगे ना तुम्हारी थोड़ी सोच, देखो सोचना सीखो, मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा तुम्हें पेपर में सोचना कैसे। तुमने सबसे पहले सवाल नॉर्मल सवाल है कि भाई कितने इसके अंदर जो है हमारे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है। आपने कहा सर एक ऑप्शन है और एक यही प्रेफरेंस शेयर है जो कि अभी कन्वर्ट नहीं हुए। सही है सर, सही है जी, ऑप्शन है और प्रेफरेंस शेयर है जो कि अभी कन्वर्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है दो है। अब सर रैंकिंग वाली वर्किंग करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो वैसे ही नंबर वन है, दूसरे नंबर पे कौन होगा सर? हमने कह दिया दूसरे नंबर पर कन्वर्टेबल। ठीक है सर, तब हमने कहा आए सर अगर ऑप्शंस हैं तो हमने कहा रैंकिंग वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, मैं वेटेड एवरेज शेयर्स वाली वर्किंग मेरा चंदा मिटा रहा हूँ, किसी ने अगर कॉपी नहीं किया तो ये दोनों, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोशिश किया करें, रेफरेंस दें। एग्जामिनर कहता है जब ये बच्चा मेन वर्किंग में गलत करता है, जैसे इसने 11278 का आंसर सही नहीं लाया तो मैं इसकी वर्किंग पे जाता हूँ ताकि इसको कुछ मार्क्स अवार्ड कर सकूँ, लेकिन तुम अगर वर्किंग ऐसी करोगे कि उसको समझ में ही नहीं आए तो बोलेगा टाटा बाय बाय। चले सर अब हम आए और हमने कहा डाइल्यूटेड ईपीएस पे आते हैं, और डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में आपने याद रखना है सर, क्या याद रखना है कि सर सबसे पहले पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है जी कर लिए, इम्प्लाई शेयर ऑप्शंस हैं, और दूसरे हमने कहा
कि सर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर हैं। अंदर आ जाकर इम्प्लाई शेयर ऑप्शन और प्रेफरेंस शेयर हैं, तो आपको रैंकिंग करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि इम्प्लाई शेयर ऑप्शन जो हैं उनकी वजह से तो कोई मसला ही नहीं होगा। ठीक है सर, तो आए सर अब हम आ रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे। हम आ रहे हैं सर डाइल्यूटेड ईपीएस पे, ईपीएस कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड, ठीक है जी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल बेसिक के हिसाब से कितना आया 198,800, ठीक है जी, और 10,000। फिर हमने कहा इसमें लेकर आएंगे एडजस्टमेंट सर, हमने कहा इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेटेड एवरेज शेयर्स लाए हम, शेयर्स आफ्टर ऑप्शंस, ऑप्शंस के बाद जो है वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए ये हमें निकालना है, तो हमने कहा ये भी कोई मसला नहीं है सर, अभी निकाल लेंगे, है ना सर। कैसे निकालेंगे, आए सर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस, आज तेरा दिमाग कहीं और है लड़के, अबे ये प्रेफरेंस शेयर्स के उसमें कराएंगे ना, अभी तो हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में तो लिमिटेड में कोई इंपैक्ट नहीं आता भाई, है ना सर। आए सर, आते हैं और मुस्कुराते हैं, और हमने कहा 1 अगस्त 2011 केएल पॉइंट नंबर 6 पे आ रहे हैं ना सर, ऑप्शन सबसे पहले लेंगे, केएल ग्रांटेड 2500 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 20 टेक्निकल मैनेजर्स, द मैनेजर्स वुड बिकम एलिजिबल टू एक्सरसाइज दीज ऑप्शंस ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स ऑफ सर्विस विद केएल। सर फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेयर वैल्यू को इग्नोर करना ये IFRS 2 हमें सिखाएगा। अब मेरा बच्चा आपसे सवाल है, जल्दी से मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शंस में कितने आएंगे, और इस सवाल में मैंने कहा था नॉर्मल सवाल से कुछ चीज हटकर है, सर क्या चीज हटकर है नॉर्मल सवाल से, इस सवाल में जो नॉर्मल सवाल से हटकर है, नॉर्मली ऑप्शंस के केस में एक्सरसाइज प्राइस होती है, यहाँ पे हमने कहा है सवाल की वर्डिंग से लग रहा है अगर एक्सरसाइज प्राइस हमें नहीं दी तो लग रहा है कि भैया फ्री में दे रहे हैं शेयर ऑप्शन, हम क्या बोले, भाई तुम अगर 5 साल रुक जाओगे तो 2500 शेयर्स पर बंदा दे देंगे, तो हमने कहा 2500 शेयर्स सर अगर पर बंदा है तो टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे कितने हैं 20, तो हमने कहा सर सुनिएगा ऑफ वेटेड एवरेज शेयर्स आफ्टर ऑप्शंस, हमने कहा ऑप्शन से पहले बेसिक ईपीएस के हिसाब से वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे 11278, हाँ या ना, कॉपी नहीं करना अभी, सही है सर, और ऑप्शंस की वजह से तुम डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने लोगे, आपने कहा सर बहुत सिंपल है 2500 × 20, है ना, 20 मैनेजर्स को मिलेंगे, पर मैनेजर 2500 शेयर मिलेंगे, तो कुल मिला के आपने कहा कि सर ये मिलेंगे 2500 × 20, ये हो गए 50,000, ऐसा ही है सर 50,000 होंगे सर, और 50,000 क्योंकि हम उसमें हैं हमने डायरेक्ट 50 को ऐड करना है क्योंकि हम इन 1000 बात कर रहे हैं ना सर, तो हम अगर इन 1000 बात कर रहे हैं तो मेरा बच्चा 11278 प्लस 50 कितना हो गया, सर ये वाली वर्किंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, एक्सरसाइज प्राइस इज जीरो, है ना सर, तो अगर हम वाली वर्किंग करते 50,000 - 50,000 × 0 तो सब कुछ क्या हो जाता है, ये जीरो, तो वर्किंग करने के फ्री के ऑप्शन है ना, इसका लर्निंग आउटकम भी यही है कि फ्री के ऑप्शन मिलेंगे, टोटल कितना हो गया भाई, जो हो गया 328, हमने कहा भाई ईपीएस आ गई आफ्टर ऑप्शंस कितनी आ गई, ईपीएस डाइल्यूटेड आफ्टर ऑप्शंस कितनी आई, जल्दी बता दो नंबर ऑफ शेयर्स 1988 / 8 दिस डिवाइड बाय दिस कितनी हो गई ईपीएस 17 पॉइंट, और ये भी गिरेगी 0.88। चले सर फिर हम आगे आए, और हमने कहा सर आगे आते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, आगे आते हुए हमने कहा इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें सर इसका तो कुछ है नहीं, और हमने कहा सर अब आ जाएंगे हम डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग कंटिन्यू है, आपने अपने पास कंटिन्यू रखना है, हमने कहा डाइल्यूटिव है ऑप्शंस तो हमेशा होते हैं, फिर हम आ गए ईपीएस की वर्किंग में ही कंटिन्यूइंग और
डिसकंटिन्यूड। अब हम इसके अंदर इंपैक्ट लेंगे किसका सर, प्रेफरेंस शेयर्स का। किसका इंपैक्ट लेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स का। बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले सवाल में लिया था। सर क्या लिया था हमने, कहा अभी बताते हैं। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल पे आप आए, कितना था प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, 198,800 और 10,000। सर इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा। बेसिक के लिए मैंने जब ये 1200 माइनस किया था तो मैंने कहा अब क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर साल के शुरू से कन्वर्ट हो चुके थे तो उसी को मैं क्या कर दूंगा, ऐड। सही है सर। तो डिविडेंड जो मैंने माइनस किया था पहले उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है सर। या तो मैं चाहता तो सवाल की प्रॉफिट की फिगर उठा दूं 2,00,000 की, कुछ भी ना करूं। सही है सर। जब ये कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूड ऑप्शन है तो हमें थोड़ी सी वर्किंग लंबी करनी पड़ जाती है, वरना हम क्या करते हैं सर, फॉर्मेट में यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखते हैं और एक के बाद ऐड करना चाहते हैं। सही है ना सर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग दोनों है तो अब हमें हर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर की एक वर्किंग थोड़ी सी अलग बनानी पड़ेगी। कंटिन्यूइंग का अलग से देखना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूड का अलग से देखना पड़ेगा, वर्किंग में इसके भी मार्क्स होंगे। वरना हम क्या करते हैं, आपको याद होगा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल यहाँ पे लिखा, वेटेड एवरेज शेयर्स यहाँ पे लिखे और हम टक 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 एक एक ऑप्शन को, ऑप्शन को, प्रेफरेंस शेयर्स को ऐड करते जाते हैं, वो ज्यादा सही है। शरारत ये करता है डिसकंटिन्यूड। आए सर, ये हमने कहा 1200, इसके ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं आया। हमने कहा ये हो गया 2,00,000, ये हो गया 10,000। अब सुनना सर, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के सर अब यहाँ पे दो ट्रीटमेंट है, पिछले सवाल में भी हमने देखा था। एक वो शेयर्स जो साल के एंड तक अनकन्वर्टेड है 20%, और एक वो जो साल के दौरान कन्वर्ट हुए हैं, साल के दौरान 4 महीने बाद कन्वर्ट हुए हैं, उनका शुरू के 4 महीने का इम्पैक्ट लेना है। सही है सर। तो हमने कहा आए सर, प्रेफरेंस शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे, प्रेफरेंस शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे चंदा, उसका कितना शेयर आ गया, प्रेफरेंस शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे उसका इम्पैक्ट कितना आया सर, कितने आउटस्टैंडिंग थे, 5,00,000 का 20% है ना सर, कितने हुए 1,00,000। और एक प्रेफरेंस शेयर के ऊपर कितने थे, 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो सर ये हो गए 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर, ऐसा ही है ना सर। तो हमने कहा चलिए सर, हमने कहा सब वेटेड एवरेज शेयर्स कितने थे हमारे पास, वेटेड एवरेज शेयर्स आफ्टर ऑप्शन कितने थे, आफ्टर ऑप्शंस हो गए थे हमारे पास 11,278, 11,328। फिर हमने कहा सर प्रेफरेंस शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग थे उसका इंपैक्ट कितना है चंदा, 5,00,000 मल्टीप्लाई बाई 20% इंटू 2,00,000 है ना सर, 2,00,000। तो हमने कहा 2,00,000, ये इसका हमने 200 यहाँ पे ऐड किया, 200 हमने यहाँ पर ऐड किया। और हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स जो कन्वर्ट हो चुके हैं साल के दौरान, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड साल के दौरान कन्वर्ट हुए हैं, हमने कहा भैया इनका भी शुरू का इम्पैक्ट नहीं है। तो शुरू का इम्पैक्ट कितने महीने का नहीं है, 4 महीनों का, वो 30 अप्रैल को कन्वर्ट हुए है ना सर। तो 5,00,000 मल्टीप्लाई बाई 80% मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 4/12। ये 4/12 सर क्यों कर रहे हैं, 4/12 भैया इसलिए कर रहे हैं कि इनका 4 महीने का शुरू का इम्पैक्ट आ जाए, वो कितना आ रहा है, तो 2,627 कर लें। तो हमने कहा सर टोटल वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो गए, इनको प्लस कर लें आप जल्दी से, तो मेरा बच्चा 11,795 हो गए टोटल हमारे पास शेयर्स। अब अगर आप कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग की ईपीएस यहां पर शो कर दें, ईपीएस वेटेड एवरेज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर्स, इसको ए कह दें तो इसको बी कह दें, 16 पॉइंट, और डिसकंटिन्यूड की कितनी है, 0 पॉइंट। ये हमने कहा सर दोनों केसेस में डाइल्यूट हो रही है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर दोनों जो है डाइल्यूटिव है। और हमने छठा सवाल कर लिया पास्ट पेपर का, 6th question ऑफ पास्ट पेपर, जल्दी से सब इसको करेंगे कॉपी, कोई मसला हो तो मेरा बच्चा फौरन से मुझसे पूछे।
जल्दी कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चले मेरा बच्चा, बढ़े आगे। लर्निंग आउटकम लिखें क्या इसका? छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, जिस जिसने अब तक केएनएस में एफएफआर का फॉर्म नहीं फिल किया चंदा, वो फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि इंशाल्लाह नया टॉपिक जो होगा उसके लिए हम इंशाल्लाह पोर्टल पे अपलोड होंगी रिकॉर्डिंग वगैरह, तो जो है आप लोगों को पोर्टल का एक्सेस मिल जाए। तो ये कर लें, फीस वगैरह कोई इशू हो किसी का तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। सही है मेरा बच्चा, लेकिन आप लोग फॉर्म फिल कर लें। अब तक जो लास्ट की क्लास में मैंने सवाल बेटा फैजान जो है होमवर्क दिया था उसको डिस्कस किया है, लास्ट क्लास का जो सवाल था। चले सर, इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिखें, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। अच्छा कॉपी करने, एक मिनट, अजान हो रही है, अजान के लिए रुक जाते हैं। ये नोट नहीं है, नोट होता है सर, प्रॉपर हम हेडिंग डालें, बेसिक ईपीएस निकालें, फिर डाइल्यूटेड के अंदर शो करें किसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो नोट होता है। नोट इसका अभी आप लोगों ने खुद ही बनाना है। फिलहाल आपने लिखना है इसका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम लिखें सर इसका। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई शेयर ऑप्शंस विद जीरो एक्सरसाइज प्राइस। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉई शेयर ऑप्शंस विद जीरो एक्सरसाइज प्राइस। कोई एक्सरसाइज प्राइस जब ना हो तो ऑप्शंस का क्या ट्रीटमेंट हो? चले मेरा बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, एक कॉल आ गई थी, कुछ बच्चों का इशू आ रहा था कि सर वो मीटिंग में अब लॉगिन नहीं हो पा रहे, और लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहे, वो आ नहीं पा रहे क्योंकि वो लॉगिन नहीं थे। मैंने कहा आपको बस एक लॉगिन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, और आप इंशाल्लाह मीटिंग में आ जाएंगे। चले मेरा बच्चा,
आगे आते हैं सर, हमने कहा एक और सवाल, पास पेपर्स के पास पेपर्स इंशाल्लाह हम करे जा रहे हैं, लर्निंग आउटकम था क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस विद जीरो एक्सरसाइज प्राइस। सर जब एक्सरसाइज प्राइस जीरो होगी तब क्या ट्रीटमेंट है, तब हमने कहा ये ट्रीटमेंट है, सही है सर। और हमने कहा आगे सर पास पेपर इंशाल्लाह एक भी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस ही हो। कृष्णा वाला सवाल हमारा हो गया, सही है, समर 2013, ये हमने कहा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज। सर ये जो समर 2014 का सवाल है इसको अभी हम नहीं कर सकेंगे सर, इसको हम कब कवर कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें गौर से देखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ रहे हैं और इसके अंदर डिफाइंड मनी, इसको आप लिख लें आफ्टर IS 19, सही है, इसके बाद हम इस सवाल को कर सकेंगे, ठीक है सर। चले सर क्वेश्चन नंबर 49 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49, वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 49। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इत्तेहाद लिम इंडस्ट्रीज, सही है, IIL 31 दिसंबर 2014, 2013 और 14, ये समर 2015 का सवाल है, ठीक है जी। द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्नड बाय IIL ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2014 अमाउंटेड टू ₹225 मिलियन। ऑन 1 अप्रैल 2014 IIL issued 25% rights shares to its existing shareholders at ₹15 per share. Market value of shares prior to the right issue, सही हमने कहा right issue तो बच्चों का काम है, 20% bonus shares भी हुए हैं, और सही 31 दिसंबर 2013 वाले 1 मई को हुए, और इसने कहा जो right shares issue हुए हैं 1 अप्रैल को उनको भी bonus मिलेगा, ठीक है सर। सर ये line लिखने की क्या जरूरत थी, मतलब मेरा सवाल है, देखो प्रैक्टिकली भी हमें, अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब तुम बचपन में तो हो नहीं कि हम आप लोगों को जो है ना सर वो करवा दे के चीजें बता दें, लॉजिक ना बताएं। सर ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी, बोनस ये पूरी पॉइंट नंबर जो इसने जो लाइन दी है कि भाई जो है 20% बोनस शेयर्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2013 वर इशूड ऑन 1 मई 2014, द राइट शेयर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल 2014 वर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर द बोनस। इसकी मुझे जरा लॉजिक बताओ कोई, इसका ताल्लुक अगर तुम लोगों ने चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा है तो उससे है सर, प्रैक्टिकल लाइफ, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ है मेरा बच्चा, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ की भी नॉलेज देनी है, इसके बाद ईपीएस खत्म होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा इसका ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, ऑडिट में क्या क्या चीजें इसमें चेक करने वाली होती हैं, क्या होता है कैसे होता है, सही है सर, जरा मुझे इसका जल्दी बता दो। इंशाल्लाह MSA 1 की भी तैयारी करनी है, और मेरा पूरा मूड है इंशाल्लाह शायद अगले 6 महीने 1 साल बाद मैं ऑडिट में भी आ जाऊँ, तो मुझे जाहिर सी बात है तुम लोगों को अभी से इंशाल्लाह उसकी बेस बनानी है। लेकिन आप हजरात ने जो है जी सर, मैं इंशाल्लाह ऑफ सी ए फाइनल के ऑडिट की तैयारी कर लूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उसमें जो है इब्तिदा होगी, अभी नहीं 6 महीने 1 साल के बाद जब मुझे लगेगा यस आई, मैं पहले जिस भी पेपर में लूँगा पहले उसकी इंशाल्लाह अच्छे से तैयारी करता हूँ यार, उसमें ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। जल्दी से इस लाइन का मतलब बताओ सर, बड़े हो गए हो अब तुम, क्लाइंट पे हो अल्लाह के वली हो, चलो तुक्का लगा दो, तुक्के ही लगा दो मुसलमानों, इस लाइन को इस ये लाइन लिखने की जरूरत क्यों थी कि राइट शेयर वालों को भी बोनस मिलेगा। सर जिसको तुक्का लगाते हुए देखा उसका पेपर निकलते हुए देखा, सर ये तुक्का लगाओ लम्ब और IBA वाले तुम लोगों को इसी वजह से जो है ना पीछे छोड़ने मेरा चंदा, तुम लोग टेक्निकली तो सबके बाप हो लेकिन तुक्के नहीं लगा पाते, और वो इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, कभी यूनिलीवर वगैरह में जाओ ना तुम्हें नजर आएगा एक IBA वाला लड़का लम्स वाला लड़का, तुम उसके ऑडिट में जाओगे तुम्हें चूना लगा रहा होगा, क्यों चूना लगा रहा होगा, उसके पास कॉन्फिडेंस है। तुम लोग उसको सर पकड़ो, तुक्के लगाओ जी सर, देखें अभी तो कुछ तुक्के आ रहे हैं माशाल्लाह, थोड़े से और तुक्कों को रिफाइन करें। चलिए सर मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे प्रैक्टिकल नॉलेज। सर इसने कहा 31 दिसंबर 2013 वाले साल का है जबकि तुम किस साल में खड़े हुए हो, 14 में, हाँ या ना, है ना सर, इसका मतलब यह है कि सर ये पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है, पिछले साल का क्या है, अब अगर ये पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है तो उसूलन मिलना चाहिए पिछले साल के शेयर कैपिटल के ऊपर। भाई अगर मैं 31 दिसंबर 2013 का फाइनल डिविडेंड अगर मैं अनाउंस कर रहा हूं, सही है उसी साल का फाइनल डिविडेंड ना, तो मैं कहूंगा भाई जिसके पास 31 दिसंबर इसी दिन शेयर्स थे, असल में तो मेरा शेयर होल्डर पिछले साल का वो हुआ, पिछले साल का अगर डिविडेंड है प्रॉफिट कैसा है तो उसका हक है ना सर, लेकिन मैं उसको मिलना चाहिए जिसके पास 31 दिसंबर 2013 को शेयर्स हैं। उसूलन होता भी यही है कि सर फाइनल डिविडेंड जो है ना वो मिलता उसी को है जिसके पास पिछले साल के एंड तक शेयर्स हों,
है ना सर। लेकिन इसने कहा नहीं 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 यहाँ पे हमने फाइनल डिविडेंड देने में कर दी देर, इस बीच में हो गए राइट शेयर्स। इस बीच में क्या इशू हो गए? राइट शेयर्स। तो मतलब जिसके जिस जिस जिसके पास राइट शेयर्स थे उसको भी अब क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। वरना याद रखो सर, जिस साल का फाइनल डिविडेंड है, सही है, उसूलन यही अजम्पशन होती है कि यार उस साल के जो शेयर होल्डर्स थे उनको मिलेगा। लेकिन सर ये अजम्पशन है थ्योरी के हिसाब से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप फाइनल डिविडेंड दे रहे हो मई जून में, उस बीच में आपने कोई और इशू भी कर दिया, तो वह नए इशू वाले को भी क्या मिल जाएगा? बोनस का बेनिफिट। सही है सर। तो इसे कहने का मतलब यही था कि भैया तू ये नहीं समझ लेना कि जो 31 दिसंबर साल के एंड पे, पिछले साल के एंड पे, साल के शुरू में थे, उन्हीं को बोनस को देना है। जो तुमने दरमियान में एक राइट इशू घुसा दिया उसको भी बोनस मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक कंपनी अगर फाइनल डिविडेंड दे रही होती है, उसकी बीओडी वगैरह फाइनल हुई मई के अंदर, बीच में उसने राइट इशू कर दिया, कोई नॉर्मल फुल मार्केट इशू कर दिया, तो वो जो दौरान के इशू होते हैं उनको भी बोनस वगैरह दे रही होती है। क्योंकि वजह क्या है सर? बोनस अप्रूव लेट होता है एजीएम मीटिंग, एजीएम में होता है ना सर। तो चले सर, इसका मतलब यह है कि सर ये सवाल में और कोई शरारत नहीं है राइट शेयर के साथ जो मनुष्य जी, अब देखते हैं और शरारतें हैं तो क्या है। फिर कह रहा है, ऑन 31 दिसंबर 2014 5 मिलियन शेयर्स वर नॉट वेस्टेड अंडर द एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम। द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन वाज ₹12 पर शेयर एंड द एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर ड्यूरिंग 2014 एंड रुपीज वॉज ₹15। ठीक है जी। फिर हमें कह रहा है, क्या कह रहा है भैया वो? फिर हमें वो कह रहा है, द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर फ्यूचर पीरियड्स अप टू वेस्टिंग डेट इज 10। सर इसका क्या करेंगे? इसको हमने कुछ कहीं पढ़ा हुआ है क्या? इसका क्या करेंगे? जो आखिरी लाइन दे रहा है, आखिरी की दो लाइनें दे रहा है, इसका क्या करेंगे? जल्दी बताओ जी सर। इसको भी हम ऐड करेंगे जब हम जो है फ्री शेयर्स वाली कंप्यूटेशन करेंगे। याद है हम लिखते थे एक्सरसाइज प्राइस। सर फिर कह रहा है, ऑन 1 जुलाई 14 साल के दौरान IIL issued TFCs which are convertible into ordinary shares on 31 दिसंबर 2018। IIL is subject to income tax at the rate of 35%। TFCs के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके वो भी करना होगा। फिर कह रहा है रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे और हमने कहा डिस्क्लोजर्स बनाएंगे अर्निंग्स पर शेयर के, वो सब तो आप लोग बनाते ही रहेंगे। हमें क्या चाहिए सर यहाँ पे? हमें चाहिए बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। नमाज का हो रहा है ब्रेक, नमाज के फौरन बाद इसको करते हैं। नमाज का हो रहा है ब्रेक, नमाज के फौरन बाद इस सवाल को हम शुरू करेंगे मेरा चंदा। और इस सवाल को सर शुरू करके हम क्या करेंगे? सवाल में जो जो गहराइयां हैं उनको इंशाल्लाह देखेंगे। तो चलें सर, हम ले रहे हैं 15 मिनट का नमाज का ब्रेक, और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहीं से कहानी को शुरू करते हैं। चले बेटा बच्चा, बेसिक ईपीएस कंप्यूट करना शुरू कर जाए। अगर किसी ने नमाज के ब्रेक के दौरान निकाल ली हो तो वो भी बता सकता है, नहीं तो हमने कहा कि सर हम साथ साथ करते जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं बोर्ड पे करता जाऊँ और उतनी देर में आप लोग खुद से करें, ताकि सर प्रैक्टिस होना ना टाइम वेस्ट हो और माइंड में देख लें कि आपने सही किया या नहीं किया, या माइंड में देख लें। सर जिसको खुद से सवाल करते हुए देखा उसका पेपर निकलते हुए देखा। सर पास चाहे कोई भी सवाल हो, पास आपको कौन कराएगा? बेसिक
ईपीएस, तो आपको बेसिक ईपीएस की मेरा बच्चा इस तरीके से वर्किंग करनी है। ट्यून हो जाए चंदा, ट्यून हो जाए बेसिक ईपीएस निकालने के लिए, क्योंकि सर बेसिक ईपीएस ही इंशाल्लाह आपको पासिंग मार्क्स के करीब लाएगी, और जो बेसिक निकाल चुके हों वो आ जाएं डाइल्यूटेड पे। चंदा समर 2015 का सवाल है, समर 2015 सवाल पूरे का पूरा आपके सामने है। हमने कहा सर 2014 और 13 दोनों, 13 का सिर्फ प्री स्टेट होगा पिछले साल का, बाकी हमने कहा सर मतलब अगर इसने हमें बाकी चीज़ें दी हुई होंगी तो, नहीं अगर इसने हमें बाकी चीज़ें 13 की नहीं दी हुई तो हमने कहा इसका मतलब यह है कि यह आदमी चाह रहा है कि हम 13 का प्रॉफिट कैसे निकालें, वो हम देख लेंगे सर। वो हम कुछ ना कुछ अगर डेटा होता, मतलब हमने कहा सर फोकस अभी हमारा 14 पे, फोकस हमारा है 14। प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल 225, क्या इसमें कोई शरारत है? सर लग तो नहीं रही। हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स पे आते हैं, वो कितने हैं, वो कितने हैं? हमने कहा सर वो अभी देख लेते हैं, वेटेड एवरेज शेयर्स के बारे में माया। हमने कहा आप नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालने थे, कोई मसला नहीं है निकाल लेंगे सर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? सर जरा जल्दी से बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ओपनिंग 14 के लिए, ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जल्दी मेरा बच्चा, कहीं तुम लोग गुमराह तो नहीं हो गए हो? 14 के लिए ओपनिंग शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तेरा के क्लोजिंग शेयर कैपिटल दिया हुआ है कितना? 1200, एक शेयर बताया हुआ है 10 का, तो 1200 डिवाइडेड बाई 10 कितने हो गए? 120 मिलियन आपके पास शेयर हैं। चले सर इसके बाद अब इसके बाद जो है अब आप आएंगे और आप आगे करके क्या कर देंगे सर? 23 ऐड होगा? नहीं बेटा 23 ऐड नहीं होगा चंदा, क्यों 23 ऐड करवाएगा? तो कौन सा 23? प्रीमियम का शेयर, प्रीमियम हमें थोड़ी पता है कितना है, उसने तो गुमराह करने के लिए दिया है। चले सर हमने कहा भैया वेटेड एवरेज शेयर्स की करेंगे वर्किंग, वन कर लो वेटेड एवरेज शेयर्स, और उसके पहले हमने कहा हम निकाल लेंगे सर क्या खुद करना है आप लोगों ने, बोनस फ्रैक्शन, राइट इशू, बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन के बारे में ये शख्स क्या कह रहा है? 20% बोनस था, ये दे ही रहा है 20%, तो अपने का कोई मसला ही नहीं है। 20% का मतलब है 12 डिवाइडेड बाय 10। आरआईबीएफ पे आए, आरआईबीएफ के केस में शख्स ने कहा कि 25 रुपए की प्राइस थी, मैंने 15 रुपए के हिसाब से 25% राइट इशू शेयर किए, मतलब जिसके पास पहले 4 थे उसको मैंने कहा तू एक ले ले भाई। तो टीआरपी आए 4 शेयर्स, 25% का मतलब है 4 पे 1, 4 पे 1, 4 पे 1 है ना सर? एट रुपीज 25 कितना हो गया? 100, और 1 शेयर एट रुपीज 15 15, तो 115 डिवाइडेड बाई 5, 115 डिवाइडेड बाई 5 ये आ गया 23, तो 25/23 आ गया हमारे पास RIBF। ठीक है सर, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड नंबर ऑफ शेयर्स क्यों ज्यादा लिख देते हैं हमेशा, नंबर ऑफ शेयर्स पीरियड। सर देख रहे हो कितना इजी टॉपिक डाला हुआ है उसने, आरआईबीएफ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे सर। अब देखें आईएएस में बहुत सारे होंगे, इसके अंदर भी आपने छोटे छोटे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जब एक साथ सवाल में आ रहे हैं तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हो रहा। सही है सर, और आप बड़े आराम से सर सवाल कर सकते हैं। ठीक है सर, आए हमने कहा कहानी शुरू हुई 120 से, ये शख्स राइट इशू कब कर रहा है? 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद 3/12, तो हमने कहा 12/10 से भी मल्टीप्लाई होगा, 25/23 से भी तो मल्टीप्लाई होगा सर। फिर क्या हुआ,
इसने कर दिया राइट इशू। कितने परसेंट भैया तू राइट इशू कर रहा है? इसने कहा 25% कर रहा हूँ। 1.25 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 150। और कितने पीरियड के लिए भाई तू राइट इशू कर रहा है? तो इसने कहा राइट इशू कर रहा हूँ 1 महीने के लिए। उसके बाद मतलब जो है मैंने हमने इसने कहा कि 1 अप्रैल को मैंने वो किया और 1 मई को, तो हमने कहा 1 महीने के लिए तू कर रहा है। फिर हमने कहा क्या हुआ भाई तू 1 महीने बाद तूने और क्या किया? इसने कहा 1 महीने के बाद मैंने कर दिया इशू बोनस। हमने कहा मुबारक हो, तूने अगर बोनस इशू किया तो 150 × 1.2 कितना हो गया भाई? ये भी 30 हुआ सर, 180 हो गया। और हमने कहा इसके बाद तो कोई इसकी जिंदगी में बाहर आई नहीं है ना सर। क्यों बाहर नहीं आई सर? इसके बाद कितने महीने बचे? 8 महीने बचे ना सर। हाँ चलो भाई, वेटेड एवरेज शेयर्स कितने आ गए? कितने आ गए वेटेड एवरेज शेयर्स पहले वाले? जल्दी मेरा बच्चा जल्दी, बस 1 3 करो। और बता, और बता। 150 × 1.12 × 12 ऑफ डिवाइड बाय 10 15। और हमने कहा 180 × 8/12 जो सिंपल 120। तो टोटल बता दे भैया कितने शेयर हो गए? सर किस कदर आसान है। वर्किंग वन पे हमने कहा 174.13। ईपीएस आ गई 1.1 दोनों। चलिए जी, हमने कहा बेसिक ईपीएस तो सर इट्स सो इजी है ना सर। चले जी, अगर किसी ने ये नहीं किया हो तो बेसिक जल्दी से कॉपी मारना हो तो कॉपी मारें। फिर हम आ जाएंगे सर डाइल्यूटेड पे। सर ये 2014 के निकले, क्या 2013 का निकालने के लिए उसने डेटा दिया? अर्निंग्स बताई है, पिछले साल की ईपीएस बताई है सर। क्या करेंगे फिर 2013 का? अगर कोई डेटा देगा तो बनाएंगे, बना नहीं। चले सर इसको कॉपी करें, और जिसने यहाँ तक कॉपी कर लिया हो वो आ जाए मुस्कुराते हुए। किस पर सर? वो आ जाए मुस्कुराते हुए डाइल्यूटेड पर। डाइल्यूटेड में हमने कहा सबसे अच्छी बात ये है कि सर एक बात यो नोट रख लें अपने पास, दिमाग में भी बिठा लें कि सर अगर तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन है और एक और कोई कन्वर्टेबल है तो आपको रैंकिंग वाली वर्किंग करने की जरूरत नहीं। रैंकिंग वाली वर्किंग कब करोगे सर? जब ऑप्शंस के अलावा दो कोई हमारे पास पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हो। सही है सर? तो हमने कहा यहाँ पे ऑप्शंस है, और दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे हमने कह दिया हमारे पास है TFCs। चले सर आप लोग भी निकालेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस, और मैं भी निकालता हूँ डाइल्यूटेड ईपीएस, कोई मसले की बात ही नहीं है। हमने कहा आए सर इसको मैं मिटाऊंगा। अगर किसी अजीम हस्ती ने वेटेड एवरेज शेयर्स नहीं निकाले हैं तो भैया इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले ले। ये हम करने अपना 7वां पास पेपर का क्वेश्चन, और हम पास पेपर की सीरीज में 2015 का सवाल है, 16 का सवाल है, 15 में पहुंच चुके हैं ना सर। हाँ, जो हम 2015 में पास पेपर की सीरीज में पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है सर कि हमें अभी आगे बढ़ना है, और हम चाहेंगे 16-17। आखिरी दफा ये गालमन 18 में आया, 18 के बाद इसको नहीं पूछा गया है। तो सर चले जी, ये मैंने बता दी वेरी वेरी शेयर्स। अब हमने कहा जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्यों सर? यहाँ पे कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूड नहीं है तो हम डायरेक्ट डाइल्यूटेड वगैरह की वर्किंग पे आ सकते हैं। एक्सट्रैक्ट और नोट्स तो तुम लोग खुद बड़े आराम से बना भी सकते हो।
चलें सर। डायल्यूटेड ईपीएस पे आए, मुस्कुराए, हाय डायल्यूटेड ईपीएस। अब हमने कहा देखें सर, जब डिसकंटिन्यूड नहीं हो ना जिंदगी, थोड़े प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल और आप वेटेड एवरेज शेयर्स, आप ये इस तरीके से कर सकेंगे, लेकिन जब साथ में डिसकंटिन्यूड शेयर हो जाएंगे ना, तो थोड़ा सा वर्किंग को चेंज करना पड़ता है, सब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करो। शाद मसूद की तरह नहीं हो, सही है सर, चेंज ही नहीं कर पाए, एशिया में मारो तो सेंचुरी आते, एशिया के बाहर तो हम जल्दी आउट हो जाए ना सर। आपने कहा एज पर बेसिक, बेसिक के लिहाज से कितना है, 225, 174.13, ठीक है जी। अब हमने कहा ऑप्शंस की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पे तो कोई नहीं आएगा, इस पे आएगा, इसके लिए हमने कहा वर्किंग टू करेंगे। प्रेजेंटेशन भी मेरा बच्चा दिमाग में रखनी है तुम लोगों ने, किस तरीके से तुम प्रेजेंटेशन की तरफ जाओ, ये सब चीजें वर्किंग टू वगैरह लिखवाता इसीलिए हूँ ताकि तुम लोगों का दिमाग बने अभी से, बचपन से ही। अच्छा अब हम आए सर, हमने कहा वर्किंग टू पे हम आए, और हमने कहा वर्किंग टू पे ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ये शख्स क्या कह रहा है। तुम लोग निकालो अपनी डाइल्यूटेड ईपीएस, निकालते जाओ, देखो किसी की आज है डाइल्यूटेड तो मुझे भी बताओ सर कितनी आ गई। 31 दिसंबर 2014, 5 मिलियन शेयर्स वर नॉट येट वेस्टेड, मतलब मिले नहीं अंडर द इंप्लाइड शेयर ऑप्शन स्कीम एक्सरसाइज प्राइस। अब देखो यहाँ पे पैसे ले रहा है, ऑफ द ऑप्शन वाज ₹15 पर शेयर, ऑप्शन के तहत ₹15 का शेयर मिलेगा, और एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर ड्यूरिंग 2014 वाज ₹15 पर शेयर, ठीक है जी। अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू द एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड्स अप टू वेस्टिंग डेट इज ₹10 मिलियन। सर सर ये किस कौन से सवाल के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट छुपा था, हमने पढ़ा था ये वाला कॉन्सेप्ट कौन से सवाल के अंदर छुपा था सर, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कहीं तो सर ऊपर पढ़ा है ना सर, आए पहले हम देख भी लेते हैं ना सर, ताकि आपको याद हो जाए, क्या याद हो जाए, आप लोगों को याद हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे छुपी हुई थी, है ना सर। सर ये था 38 के अंदर, है ना सर, जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 38 में कि फ्यूचर एक्सपेंस कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट और लॉस। तो सर तो ये 38 के अंदर जो हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने कहा यहाँ पर आ गया, मुस्कुराया, ठीक है सर। चलें जी, तो हमने कहा कितने आ रहे भाई नंबर ऑफ शेयर्स इजाफी, किसी ने निकाले, एक बजा कह रहा है सर, चलें जी। तो हमने कहा आप लोग अब निकालते रहेंगे अपने नंबर ऑफ शेयर्स, है ना, डाइल्यूटेड के, सही है सर, एक बजा कह रहा है सर बोल्ड नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर से हटाएं। मेरा चंदा मैं चाह रहा हूँ, तो तुम लोग खुद से थोड़ी दिमाग लगाओ ना, नंबर ऑफ शेयर इजाफे पे आओ, फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आपने कहा शेयर अंडर ऑप्शन, जो फ्री शेयर होते हैं, शेयर अंडर ऑप्शन, थोड़ा सा लॉजिकल फार्मूला है, फार्मूला मैं बोल देता हूँ और तुम लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन कितने हैं, आपको निकालने फ्री शेयर, तो आपने कितने 5 मिलियन माइनस, उसने कहा ऑप्शन के अंदर एक शेयर की प्राइस कितनी है, 12, ठीक है। एक तो याद है वही जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया था कि सर एक तुम जो है पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करते हो, और एक अपना टाइम एफर्ट्स लगा के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना सर। तो वही कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉय को बोले एक तो तू ₹12 देगा, और इसके अलावा तो अगले इतने सालों में हमें जो है सर्विसेज भी देगा, तो वो जो सर्विसेज का एलिमेंट है उसको भी हम करेंगे ऐड, सर्विसेज का एलिमेंट कितना है उसको भी हम करेंगे ऐड, ठीक है सर। रामील बेटा अभी तक हमने पास पेपर का आज का दूसरा सवाल चल रहा है, तो हमने कहा ये कितना हो गया, 5 मिलियन × 12 प्लस 10 मिलियन डिवाइडेड बाई 15, आपके पास ये आपने कहा टोटल इंप्लाई फिर ₹12 पर शेयर पे करेगा, ₹10 इजाफी देगा, 15 कितना हो गया, जल्दी बताओ। इसका मतलब है 0.33 मिलियन शेयर हम इशू करेंगे फ्री अंडर ऑप्शन, तो 0.33 मिलियन शेयर, सही है सर, ये सब हम मिलियंस में ही बात कर रहे हैं ना सर। तो आप मुझे बता दो टोटल 225, 174.13 प्लस 0.33, ये हो गया 174.46, है ना सर।
तो आपने कहा ईपीएस कितनी आ गई सर? इसके बाद ईपीएस आपकी गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है सर। कितनी आ गई ईपीएस? अगर ईपीएस आप यहीं पे निकाल दें, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू कितनी आ गई ईपीएस भाई? 1.28। चले सर, अब हमने कहा अगली चीज है टीएफसीज, अगली चीज है टीएफसीज, टीएफसीज टीएफसीज पे आ जाए मेरा बच्चा। उम्मीद करता हूं ये तो आप सबने कर लिया होगा सही से। टीएफसीज टीएफसीज एक जुलाई 14 को इशू है, याद रखना, खुद इम्पैक्ट निकालना है टीएफसीज का, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्किंग थ्री टीएफसीज, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? ओके यासिर, सर यासिर कह रहे हैं ऑप्शंस वाला वापस समझो। यासिर मैं एक दफा पूरा सवाल हम कर लें तबीयत से, इसके बाद पूरा सवाल एक दफा तबीयत से समझा दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेना मेरा बच्चा। बेसिक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दिमाग लड़ाए हम जब हम लोग सर बाकी लोग, ताकि टीएफसीज में अपना थोड़ा सा दिमाग लड़ा लें, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर लगा दिया है ताकि आप लोग टीएफसीज फौरन से जो है ना सर खुद दिमाग लड़ाएं। 20 मिलियन कन्वर्टेबल थे और 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर 31 दिसंबर 2018 को 1 जुलाई 2014 को इशू हुए हैं। तो टीएफसीज के अंदर एक छोटी सी शरारत है, शरारत तो नहीं हम पहले कर चुके हैं, टीएफसीज का आपको न्यूमरेटर इंपैक्ट निकालना है, मतलब प्रॉफिट इंपैक्ट, बहुत सिंपल है। इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट इंटू 250 इंटू 6/12 और इनटू 65% कितना आ गया भाई? 9.344 है ना, टीएफसी पे आए 9.34 डिवाइडेड बाय 65%। अब हमने कहा सर डिनोमिनेटर इंपैक्ट पे आते हैं, और जिसमें मेरे बहुत सारे भाई और बहन जो बैठे हुए हैं अभी और जो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, उन्होंने शायद एक गलती की होगी। सर 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे लेकिन 6 महीने तुमने इशू किए हैं तो ये 10 मिलियन बनेंगे। चलिए मेरा बच्चा, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग से हटाऊंगा और आपको समझाऊंगा। ओहो सामा, बट ट्राई, बट सर थोड़ा सा ना कोई टैक्स का इंपैक्ट लेना भूल गया तो कोई क्या भूल गया है ना सर, कोई मसला नहीं सर, गलतियों से सीखेंगे, गलतियां करें तो लिखें, अपने आप को लिखें ऊपर सवाल के ऊपर, होलू ये चीज पेपर में नहीं करनी। कितना आ गया भाई इंपैक्ट अली हैदर? 1.27 EPS, यहां पर भी EPS गिरी तो हमने कहा डाइल्यूटेड EPS आ गई, डाइल्यूटेड EPS आ गई 1.27। चले मेरा बच्चा, सिंपल सिंपल सा सवाल था सर, आपने कहा सर ये क्यों करते हैं ऐसे हल्के सवाल क्यों दे रहे हैं अब हमें, है ना सर, हमें हल्के सवालात क्यों मिल रहे हैं अभी पता चलेगा। सर आज की क्लास में तो सर ये आप समझेंगे ईपीएस के अंदर मेरे हिसाब से अफेक्टिवली एक सवाल तगड़ा आया जो कि हम इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कल की क्लास में घुसेंगे उस सवाल के ऊपर, मतलब उस सवाल के अलावा कुछ भी शरारत, मतलब उस सवाल के अंदर पता है क्या किया उसने शरारत, उस सवाल पे आएंगे तो बताएंगे। चले सर इस सवाल को समझते हैं, बेसिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बोनस और लाइट है, सिंपल है, सही है सर। डाइल्यूटेड पे आए, अब याद रखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सर, जब कंटिन्यू डिसकंटिन्यू देते हैं तो हमारी वर्किंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, हमें हर ऑप्शन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर के लिए अलग वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही हो ना तो हम
आराम से फेल सकते हैं, फेल मतलब कर सकते हैं। कैसे? बेसिक के हिसाब से हर पोटेंशियल का शेयर, न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का, तुमने लिया और एक साथ कर लिया। जैसे हमने यहाँ पे किया सर, सबसे पहले ऑप्शंस पे, ऑप्शंस पे आए और हमने कहा भैया ऑप्शंस के केस में तुम्हें याद होगा कि हम क्या करते थे, नंबर ऑफ फ्री शेयर्स निकाल देते, नंबर ऑफ फ्री शेयर्स के फ्री फोकट में कितने शेयर्स मिले, सही है सर? तो हमने कहा सर यहाँ पर जो ऑप्शन में शरारत थी, वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 38 वाले हैंडआउट में की थी, वो शरारत थी। शरारत क्या थी? शरारत ये थी कि उसने कहा भाई 5 मिलियन शेयर्स दूंगा, 12 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट वैल्यू तो 15 रुपए, लेकिन फ्यूचर में वो सर्विसेज देंगे 10 रुपए की। तो मैंने आपको समझाया था कि सर एम्प्लॉई अगर आपको एक पैसे भी दे रहा है शेयर्स पे और एक सर्विस भी दे रहा है, वो जो सर्विस दे रहा है ना वो भी आप इंक्लूड करो जैसे उसने आपको शेयर प्राइस पे की है। नहीं समझा था कि सर एक पार्टनर पैसा लगाता है, दूसरा पार्टनर काम करता है, अगर दोनों रेशिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं तो दूसरे पार्टनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो टाइम की, तो यही वही बात, टाइम की, मेहनत की अपनी इन्वेस्टमेंट थी। इसको भी हम लेते हैं एक्सरसाइज प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस फ्यूचर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय, हमने कर दिया सर मार्केट प्राइस, तो 0.33 मिलियन फ्री शेयर्स आ गए, वो हमने ऐड किया। इसका न्यूमरेटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, अगर तूने न्यूमरेटर पे भी इम्पैक्ट इसका निकाल दिया तो तू कौन है, है ना भाई? एग्जामिनर कहाँ आएगा? घर पे आएगा, नहीं और शायद वापसी में तेरी बाइक पे बैठा हुआ, है ना सर? खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है, ऑप्शंस का भी न्यूमरेटर इंपैक्ट निकाल देता है ना सर? तो वो कुछ लोग होते हैं जो ये गलती कर बैठते हैं, कभी नहीं करना सर, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, कोई अबनॉर्मल होगा तो ये करेगा, कोई न्यूमरेटर इंपैक्ट नहीं इसके, हमेशा रैंकिंग वन ये आपने ले लिया सर। फिर आप आए टीएफसीज के केस में, टीएफसीज के केस में याद रखना ये टीएफसीज साल के शुरू से अवेलेबल नहीं थे, मिड ऑफ द ईयर अवेलेबल थे, इसीलिए मैंने क्या किया न्यूमरेटर इंपैक्ट भी मिड ऑफ द ईयर लिया कि भाई 250 मिलियन के टीएफसीज थे, 11.5% इंटरेस्ट था, 6 महीने का लिया, 65% क्यों किया मैंने कहा क्योंकि सर सूद इसके ऊपर कितना है जो है, सूद 11.5% है, टैक्स सेविंग इंटरेस्ट के ऊपर मिलती है 35%, तो 65% लिया 9.34, और इसके जब नंबर ऑफ शेयर्स पे आए तो हमने कहा 20 मिलियन इनटू 6/12, तो ये हो गया 10 मिलियन। चले सर, तो ये हो गया हमारा सवाल। अब चले सर एक चीज आपको, मैं ना यहां तक क्लियर हो सब तो बोल दो यस सर, सीसी लिख दो भाई, अगर यहां तक क्लियर हो तो लिख दोगे सीसी। कितने लोग अब तक, कितने लोग अब तक सर ईपीएस लग रहा है इजी? चले सर हमने कहा अब हम बढ़ रहे हैं आगे, इस सवाल का लिखेंगे लर्निंग आउटकम। सी सी सर मुझे लग रहा है सर इजी, इजी है सर, कोई इतना मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह पूरा एफएफआर आपको इजी। आप बोलेंगे सर क्या है ये सर एफएफआर, सही है सर, वाकई में आपको लगेगा सर ये एफएफआर कोई मुश्किल नहीं है। देखो एफएफआर में पता है क्या मसला है, थोड़ा सही है, देखो समझो सर, छोटे 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 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, सही है सर, लेकिन उसको इंशाल्लाह जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से जो है नोट्स बनाऊँ, चीज़ें जो है सवालात करवाऊँ, किसके बाद क्या करना है, तो सर उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुम लोगों को मसला नहीं होगा। और पास पेपर्स की भी आपने देखा 7वां सवाल हमने किया, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, सही है सर। कुछ टेक्निकल चीज़ें आती हैं, कुछ मुश्किल सवालात आते हैं, ये सवालात किसी ज़माने में पेपर को तब भी सर मुश्किल बच्चों को लगते थे जैसे अटैम्प में है, लेकिन सर होता क्या ये कि कॉन्फिडेंस लाना है, पास करा देगी बेसिक ई बेस, तुम देखो तुम बेसिक ई बेस को साइड में कर देते हो फौरन से, है ना सर? चलिए सर इसका लर्निंग आउटकम लिखें, फिर आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ देना है, जल्दी कर जाना है। लर्निंग आउटकम लिखें, Employee share option with employee future service cost, employee share option with employee future service cost। चलिए सर आप याद रखिएगा FFR में ऐसा होगा और मैं आपको अभी से बता दूं कि सर कुछ देखें कभी ना चीज़ें लिंक, जैसे EPS के साथ IFRS 5 भी आ सकता है, कंसोलिडेशन भी, कंसोलिडेशन वाली चीज़ें हमने देख ली, हमने IFRS 5 डिस्पोजल ग्रुप डिसकंटिन्यूड वाली चीज़ भी देख ली सर। मैंने आपको एक सवाल छुड़वाया, मैंने कहा ये हम करेंगे जब हम
IS-19 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दोनों कर लेंगे, क्योंकि मजा तब आ जाएगा। लेकिन सर कुछ सवाल और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जो कि हम आपको कहेंगे कि यार ये सवाल हम कर लेंगे, उसके बाद अभी आपकी जिम्मेदारी टीचर को, हो सकता है टीचर वो दिमाग भूल जाए, आपको याद दिलाने सर वो EPS का ये सवाल रहता था अपने पास नोट कर लो, ये आपने कराना है, ठीक है सर। सर दूसरी एक चीज याद रखिएगा मेरा बच्चा, कुछ होंगे जिनको मैं कहूंगा कि इसको अभी हम करेंगे, क्योंकि हम हर चीज बात के लिए नहीं छोड़ सकते, नहीं तो बाद में करने वाली बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। अभी आप इसको करेंगे, अभी शायद आपको जो जिस ISCA रिलेटेड है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ना हो, क्लियर इन द सेंस कि लॉजिक समझ में नहीं आए, कॉन्सेप्ट तो समझ में, लॉजिक समझ में नहीं आए, लेकिन आगे जाके आपको वो चीज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। जैसे सर इसी में एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स। क्या कहते हैं? अब ये होते क्या है, ये कोई हार्ड साइंस नहीं, मतलब होता क्या है सर, याद रखना दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो फ्री लंच। क्या कॉन्सेप्ट है दुनिया में? कोई फ्री लंच नहीं होता, इन अ सेंस को जो आपको फ्री भी लग रहा होता है उसमें भी आपको घेरा जा रहा है। सर मैं एग्जांपल दूंगा, टीचिंग फील्ड की एग्जांपल दूंगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। सर टीचिंग फील्ड में एक चीज होती है फ्री वर्कशॉप। क्या होती है सर? फ्री वर्कशॉप। अब 10 में से जो 9 टीचर्स फ्री वर्कशॉप कराते हैं ना, उनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? उनके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार वो जो बहुत सारे मुश्किल सवालात या कुछ सिलेबस की चीजें रह गई हो ना, वो फ्री वर्कशॉप के नाम से करा के बच्चों को करा दी जाए। सही, मतलब होता है ना यार, बाज दफा होता ये है कि बच्चा तो बच्चा है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो भी बच्चा। अब तुम लोग माशाल्लाह मैं देखता हूँ, तुम लोग खुद भी अपने आप को एवेल्युएट करोगे, जब तक तुम कैफ में थे ना, तुम्हारी तब की सोच में और आज की सोच में बहुत फर्क होगा। तब की सोच में और आज की सोच में तुम्हें अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि यार मतलब अब बच्चे जो है ना पहचानने लगते हैं कि यार कौन सिर्फ मंजन बेच रहा है और कौन जो है वाकई में मेरे साथ सिंसियर है। ये चीजें आपको नेचुरली चीजें आएंगी। सही, आप फर्म में जाएंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, तो याद रखना हमेशा जब आपका जो एज है ना, आपकी शायद 18 साल की जो एज में सोच थी वो अब आप लोग होंगे जो है माशाल्लाह ऑन एवरेज 21-22 साल के लोग, तो आप लोगों की ना वो सोच नहीं होगी। सही है सर, आपकी सोच में तब्दीली आ चुकी होगी डेफिनेटली। तो सर यही चीज होती है, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच नहीं, तो बच्चे आप फ्री वर्कशॉप वगैरह वहां पर चल जाते हैं, यहाँ पे इतनी नहीं चलती। क्यों सर यहाँ पर क्यों नहीं चलते? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को पता होता है यार फ्री के टाइम पे मेरा एंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री वर्कशॉप नहीं, जो चीज करानी है क्लास में कराओ, क्लास में बेशक आप कोर्स थोड़ा एंड कवर एंड में कवर कराओ। पहले जो है आप मुझे जो है वो वरना होता क्या है, मेन कोर्स के मुश्किल सवाल छोड़ दो और कह दिया कोर्स खत्म, पोस्ट लग गई, कोर्स खत्म, फिर बाद में फ्री वर्कशॉप के नाम पर सर क्या होता है हम बच्चों को बुला रहे हैं ये करो वो करो, गलत है। सर इसी तरीके से अकाउंटिंग भी कहती है कोई भी चीज फ्री नहीं है। शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को पता नहीं है वो उसकी एक कॉस्ट बियर कर रहे हैं। सर जरा एग्जांपल को खुल के बताएं, खुल के बताता हूं। सर एक चीज है जिसको हम कहते हैं इंप्यूटेड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होता है IFRS 9 में, वो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी आपको कह रही है आज 100 रुपए लो, एक कंपनी कह रही है आज 100 रुपए लो और एक साल के बाद हमसे जो है 7% डिविडेंड ले लो। सही है, तो 7,000 रुपए तुम ले लो और 100 रुपए आज तुम्हारी अपनी जगह। सर दूसरी कंपनी आती है वो कहती है आज जो है तुम हमें 100 रुपए नहीं दो, हम तुम्हें सस्ते में डिविडेंड दे रहे हैं। कितने में दे रहे हैं? 81 में डिविडेंड दे रहे हैं, 82 में डिविडेंड दे रहे हैं। लेकिन यार एक चीज में हमारा देखो, आज हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं ना, मार्केट में अगर एक डिविडेंड 100 रुपए का मिल रहा है, एक शेयर एक प्रेफरेंस शेयर मार्केट में अगर 100 रुपए का मिल रहा है, हम तुम्हें कह रहे हैं कि तुम हमसे वो प्रेफरेंस शेयर्स ले लो 82 रुपीज में। आप खुश, आप बन गए स्कीम में, है ना, आपने कहा कि ये कोई स्कीम है लक्ष्मी चिटफंड टाइप की और बस फौरन से 18 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन मसला क्या था सर? उन्होंने कहा पैसे ले लिए, इसके बाद आपको बताया देखो यार एक इशू है हमारे साथ। क्या बोला? यार देखो वो जो अगला 100 रुपए का दे रहा है ना इंस्ट्रूमेंट, वो है तो बिल्कुल हमारे जैसा, बस एक इशू है, वो तुम्हें पहले साल को कहेगा कि एंड में 7,000 रुपए ले लो, हम तुम्हें 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं देंगे, हम बोलेंगे चौथे साल में तुम हमसे जो है ना 7,000 देंगे। तो अल्टीमेटली उसने जो है काम वही कर दिया, आपको घेरने के लिए कह दिया आज तुम कम पैसे दो और हम तुम जब तुम उनसे तुमने शेयर्स ले लिए तब बोला कि यार 3 साल तक कोई डिविडेंड नहीं, चौथे साल में डिविडेंड। तो अकाउंटिंग भी यही कहती है यार बाज मरतबा इस किस्म की ट्रांजेक्शंस होती है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे, डिबेंचर्स वगैरह पे, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर
शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को डिस्काउंट देते हो, लेकिन आप डिस्काउंट देते हो ना तो आप पागल नहीं हो? आप डिस्काउंट क्यों देते हो? आप डिस्काउंट इसलिए देते हो क्योंकि शायद जो आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो उतना डिविडेंड नहीं दे रहा जो मार्केट में चल रहा है, या वो शुरू के पीरियड में कोई डिविडेंड ही नहीं दे रहा। तो सर ये तमाम कॉन्सेप्ट्स अल्टीमेटली लिंक तो हैं IFRS 9 से, हम इसको अभी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर जो हमारा अगला सवाल है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा इन्हेसार करता है। तो आए सर, एक सवाल है, हैंडआउट तो मैंने आपको उस टाइम पे नहीं करवाया था, लेकिन मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह बिल्कुल इस वक्त, जब बिल्कुल इस वक्त आप तैयार होंगे वो सवाल करने के लिए, तो मैं आपको तब वो सवाल कराऊंगा। तो अब उम्मीद, अब लग रहा है कि इंशाल्लाह आप लोग तैयार हो चुके हैं। तो आए सर, अब वो सवाल कर रहे हैं, और ये सवाल है हमारे हैंडआउट का 27। सही है, हमारे हैंडआउट का सवाल सर कौन सा है? ये 27। चलिए जी सर, सवाल पे आता हूँ। सवाल नंबर 27 है हमारे हैंडआउट का। सवाल हम पढ़ेंगे और हम सवाल पढ़ने के साथ साथ सर इसको करने भी लगेंगे। पहले कह रहा है इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं, इसके साथ चाहो तो लिख लो इम्प्यूटेड डिविडेंड ऑल्सो, इम्प्यूटेड डिविडेंड का केस भी होता है। एंटिटी डी इशूड नॉन कन्वर्टेबल नॉन रिडीमेबल क्लास ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीस 100 पर वैल्यू ऑन ईयर वन। ठीक है जी, द क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीस 7 पर शेयर स्टार्टिंग इन ईयर 4। ठीक है जी, आपने कहा ये भी बढ़िया हो गया। फिर क्या हुआ सर? फिर हुआ ये, 3 सालों तक कोई डिविडेंड नहीं है, 7 रुपए का डिविडेंड मिलेगा कब? ईयर। फिर कह रहा है एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट रेट डिविडेंड यील्ड ऑन द क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स वाज 7% पर एनम। मार्केट में जो क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स थे उनका जो है 7% का डिविडेंड था। द एंटिटी डी कुड हैव एक्सपेक्टेड टू रिसीव प्रोसीड्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली रुपीज 100 पर क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स इफ द डिविडेंड रेट ऑफ रुपीज 7 पर शेयर हैड बीन इन इफेक्ट एट द डेट ऑफ इशू। सही है, देयर वॉज हाउ एवर टू बी नो डिविडेंड पेड फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ इशू। वही बात इसने कहा, अगर हम पहले साल से ही 7 रुपए का डिविडेंड देते ना तो लोग हमें 100 रुपए भी दे देते, लेकिन हम क्योंकि शुरू के 3 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दे रहे तो लोग हमें 100 रुपए भी नहीं देंगे, उससे कम ही देंगे ना सर। तो हमने कहा इन कंसिडरेशन ऑफ दीज डिविडेंड पेमेंट टर्म्स द क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एट रुपीज 81.63 पर शेयर, दैट इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 18.37 पर शेयर। द इशू प्राइस कैन बी कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 डिस्काउंटेड एट 7% ओवर अ 3 ईयर पीरियड। रिक्वायरमेंट में ये शख्स हमसे कह रहा है कैलक्यूलेट द इम्प्यूटेड डिविडेंड एट्रीब्यूटेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स that needs to be deducted from earnings to determine the profit or loss attributable to ordinary equity holders. अब सर देखें ये क्या क्या रहा है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि आपको imputed dividend का amount find करना है कि वो amount कितना होगा जो कि आप minus करेंगे किस में से सर? Preference shares में से। चले सर, अब concept नया है लेकिन मुश्किल। सिंपल सी बात ये समझो, सिंपल सी बात ये समझो कि सर तुम दो दुकानों पे गए, दो दुकानें दोनों का बर्गर बेस्ट सब कुछ बेस्ट, एक डील दे रहा है 300 रुपए की, उसमें बर्गर भी तुम्हें दे रहा है, उसमें तुम्हें फ्रेंच फ्राइज भी दे रहा है कोल्ड ड्रिंक की, और एक डील दे रहा है 220 रुपए की, उसके अंदर सिर्फ तुम्हें बर्गर और फ्रेंच वो कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, फ्रेंच फ्राइज नहीं दे रहा, तो अल्टीमेटली सर दोनों बराबर ही फर्क है ना सर, अगर पैसा ज्यादा ले रहा है तो कुछ ज्यादा भी दे रहा है। सेम केस हियर कि हमने कहा एक आदमी 100 रुपए दे रहा है तो वो तुम्हें पहले साल के 7 रुपए दे रहा है डिविडेंड, दूसरा आदमी 81 रुपए दे रहा है तो बोले 3 साल तक। देखो बिजनेसमैन पॉइंट क्या कहते हो, देयर इज नो फ्री लंच अकाउंटिंग, बिजनेसमैन का भी अपना नुकसान होने उसको कुछ ना कुछ फायदा नजर आ रहा होता है या फायदे की उम्मीद होती है। सही है सर, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए सर, कोई भी हो, मैं और आप भी कोई बिजनेस करेंगे ना तो हम क्यों अपना नुकसान करेंगे, हम क्यों अपना नुकसान करेंगे? सही है सर, तो हमने कहा आए तो ये बात याद रखना सर, बिजनेसमैन अपना नुकसान नहीं करता। तो हमने कहा इस सवाल को अब हम समझेंगे, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूं
कि इम्प्यूटेड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इम्प्यूटेड डिविडेंड होता क्या है, किस किस्म का होता है, उसको बेसिकली वो कहता है कंपनी ने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ होता, लेकिन आपको ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए उसको अकाउंट फॉर करना होगा अगर कंपनी ने अकाउंट फॉर एज पर आईएफआरएस 9 नहीं किया तो। चले सर, मैं आपको इसकी एंट्रीज की मद में भी समझाऊंगा, टेंशन ना लें, वैसे तो आईएफआरएस 9 का टॉपिक है, वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट देंगे क्या होगा। सर यहाँ पर हम बनाएंगे एक अदर टेबल। टेबल क्यों बनाएंगे सर, जरूरत है इसलिए, है ना सर। हमने कहा ईयर होगा, ओपनिंग, इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, पेड, क्लोजिंग। चले सर, सवाल की रूप से मैं आपको समझाऊंगा और हम जिस कॉलम के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो है इंटरेस्ट एक्रूड। कौन सा कॉलम है, इंटरेस्ट एक्रूड। सही है सर, अब आए सुनिएगा, इसमें हमें निकालना है इंप्यूटेड डिविडेंड, वो डिविडेंड जो कि इंप्यूटेड है। सही है सर, आए। इंप्यूट मतलब होता है छुपा हुआ, आपको सामने नजर नहीं आ रहा। सर ईयर जीरो पे अब हम एक कंपनी, अब हम कौन है, एक कंपनी है और हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, हमने एंट्री बनाई बैंक डेबिट प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट। कितने से सर, आज हमें कितने पैसे मिले, 81 पॉइंट, सवाल के लिहाज से मेरा चंदा, सवाल आप सबके पास मौजूद है 81.37। उसने बता भी दिया आखिरी पॉइंट में कि ये 100 मिलियन जो है ना, इसको अगर आप डिस्काउंट करेंगे 3 पीरियड पे तो ये फिगर ऐसे आएगी। सही है सर, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7% की पावर 3 आप करेंगे तो ये आएगा 81.37। इसने कहा आज भैया तुम्हें इतने पैसे मिले हैं, 81.37। सही है सर, अब हमने कहा हम आए ईयर वन पे, ओपनिंग हमने कहा 81.37 की हमारे पास आप समझे लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर। सही है सर, अगर रिडीमेबल है तो लाइबिलिटी, और अगर हमने कहा कि जो इररिडीमेबल है तो ये इक्विटी है ना सर, तो ये नॉन रिडीमेबल इसने कह दिया है, इररिडीमेबल 81.63 आ रहा है, और इसने कितना दिया हुआ है, 3763 दिया हुआ है। सही है सर, तो इसने यहाँ पे कह दिया है नॉन रिडीमेबल है, तो इसने कहा ये सपोज करें आज आपकी एक तरह से इक्विटी है ये। सही है सर, अब ये कह रहा है 7% का डिविडेंड दूंगा तीसरे चौथे साल से, उसमें नहीं दूंगा। अब सुनना, ईयर जीरो हो गया। सही है सर, आए हम, आए हमने कहा ईयर वन पे जब हम आए तो आईएस ने कहा कि देखो भैया देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लंच, तुम डिविडेंड दे नहीं रहे हो लेकिन तुम डिविडेंड को एक्रू करोगे, तुम डिविडेंड दे नहीं रहे लेकिन तुम डिविडेंड को एक्रू करोगे। उसने कहा भाई मैं मार्केट वैल्यू पे ट्रांजैक्शन कराने पे बिलीव रखता हूँ, उसके अलावा बिलीव नहीं करता। तो उसने कहा तुम्हारे पहले साल तुमने लिया 7% के ऊपर डिविडेंड, कितना हुआ 81.37% कितना हुआ मार्केट वेट पे, डिविडेंड को एक्रू करो 5.716972 कर लेते, ठीक है। इंटरेस्ट, ओ इंटरेस्ट क्या करूं, यहाँ पे आप डिविडेंड एक्रू कर लेते सर, इक्विटी है ना नॉन रिडीमेबल, उसने लिखा है ना डिविडेंड एक्रू और डिविडेंड पेड, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट देना है वो इंशाल्लाह समझ में आएगा, टेंशन ना लो। डिविडेंड पेड जीरो था तो आपने कहा 81.37 प्लस 5.72 डिविडेंड पेड जीरो, टोटल क्लोजिंग कितनी हुई चंदा, 81.63 ना, ए है ये, बी है ये, सी है, तो डी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, कितना हो गया 81.63 प्लस 5.72 87 पॉइंट। अब सुनना तुम यहां पर एंट्री क्या बनाओगे सर, नॉन रिडीमेबल है, कौन सा है इररिडीमेबल, तो इररिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसका डिविडेंड क्या होता है, इक्विटी में से माइनस होता है, तुम रिटेन अर्निंग डेबिट करोगे और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे। तुमने कहा इससे मैं अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट बढ़ाऊंगा, आईएफआरएस 9 कहता है, उसमें जाएंगे तो इंशाल्लाह देख लेंगे। उसने कहा भैया कोई फ्री लंच नहीं होता, पहले साल तुम सिर्फ
शेयर होल्डर को डिविडेंड उसके मतलब नहीं दे रहे हो लेकिन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। हमने कहा अच्छा भाई रिकॉर्ड करवाओगे तो किस परसेंट पे? उसने कहा सब चीजें होनी चाहिए मार्केट पे 7% पे। सही है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा IFRS 9 पे। अभी सिर्फ आपको सॉर्ट ऑफ ये देखना है इस मतलब लॉजिक कि सर वो कह रहा है देयर इज नथिंग फ्री, तुम बेशक पे ना करो तुम उसको रिकॉर्ड करोगे। सही है, तो उसने कहा भैया 5.72 से आपने पहले साल की एंट्री बना दी, आप खुश हो गए। सही है सर, अब आए तुमने कहा 87.35 था, इसके ऊपर आया 7%, कॉपी नहीं करना भी समझ रहा कितना आया 6.11 है ना। तो हमने कहा पेड कुछ भी नहीं किया तूने, तो 87.35 प्लस 6.11 कर कितना हो गया 93.44 है ना सर, 4.6 हो गया, 4.6 93.46। इसने कहा पे नहीं करना है कोई मसला नहीं है रिकॉर्ड करो। IFRS 9 में लॉजिक समझ में आएगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अभी हमने कहा कि सर इसके ऊपर जाते हैं, तो अब हम आए ईयर 2 पे, आए ईयर 2 पे आप आ गए खुश हुए। अब आपने कहा इस दिन भी एंट्री बनाओगे रिटेन्ड अर्निंग डेबिट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से 6.11। आप आ गए तीसरे साल, कौन से साल? आपने कहा 6.54 करें तो आपने कह दिया ये हो गया 0 और ये हो गया 100। तो हमने कहा अल्टीमेटली 3 सालों के बाद आप इसको कितने पर ले आए 100 पे। अब सुनिएगा कॉपी नहीं है, चौथे साल पे आए इस दिन से आपने कहा शेयर होल्डर का मीटर चालू 7% का तुम डिविडेंड एक्रू कर रहे हो कितना बन रहा है 7 और पे भी कितना हो रहा है देखो ना चौथे साल से रुपीज 7 पर देखो सवाल में लिखा हुआ है चौथे साल से कितना पे करोगे पर शेयर डिविडेंड 7 पर शेयर ना। तुमने कहा चौथे साल से एक्रू भी ये हो रहा है और पे भी कितना हो रहा है 7। तो इसने कहा ये अब हर साल 100, पांचवें साल भी आपने कहा 100, 7% 7 और ये कितना हो जाएगा अब जितना एक रो रहा है उतना पे हो रहा है। शुरू के 3 सालों में मकसद क्या था? उसने कहा था बेटा देयर इज नो फ्री लंच, तू 100 रुपए नहीं तू 81 ले रहा है लेकिन डिविडेंड तुझे भी 7% पे रिकॉर्ड करना है, जब 7% पे रिकॉर्ड करना है तो इस तरीके से करवाऊंगा। चौथे साल तीसरे साल तुमने एंट्री बनाई, अभी हमारा समझा कॉन्सेप्ट इसका बाकी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से सर? अब सुनना, सपोज करो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले 3 सालों का, हमने कहा ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। अब सवाल में अगर यही वाला केस हो और तुम्हें 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया हो, सपोज करो 100 100 100, और इसी किस्म का सवाल हो जिसमें 3 सालों तक फ्री है 2 सालों तक फ्री और लोग नहीं है, लेकिन अब जो ये तुम रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करे हुए बेसिकली क्या है डिविडेंड ही है ना सर एक तरह का, इसको कहते हैं इंप्यूटेड डिविडेंड, इररिडीमेबल का डिविडेंड। तुम पहले साल डिविडेंड की मद में, हालांकि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही ना अनाउंस है ना कुछ है, लेकिन तुम क्या करोगे इस IFRS 9 की वर्किंग की मद में 5.72 माइनस करोगे पहले साल, दूसरे साल माइनस करोगे 6.11, तीसरे साल माइनस करोगे 6.54, इसको कहते हैं इंप्यूटेड डिविडेंड है ना सर। कहना नहीं और दे देना, मतलब आप डिविडेंड नाम के लिए नहीं कह रहे, IAS कह रहे अल्टीमेटली बेटा जो तुम 18 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो वो दे ही रहे हो कि तुम 3 साल फ्री फोकट में चलवाओगे। ठीक है सर, कॉपी करें मेरा बच्चा, फिर इसके सवाल की तरफ आते हैं, किसी को कोई इश्यू तो पूछ सकता है, क्लियर हो तो लिख दो भाई CC। इसको कहते हैं इंप्यूटेड डिविडेंड, दो नहीं लेकिन आपने कहा शो करो भाई, किस कदर आसान है, थिंग्स आर सिंपल वी मेक देम डिफिकल्ट। सर एग्जामिनर ने भी पूछ लिया, ये भी तो एक शरारती बच्चा है, इसके अंदर भी छुपा हुआ है, इसका कुछ भी होगा पूछूंगा ये चीजें। सर अब हमारी ना एक सिर्फ कॉन्सेप्ट एक रीपर्चेज बाकी है, शेयर रीपर्चेज, वो मैं आपको कराऊंगा सबसे एंड में, वो मेरे ख्याल से वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना कोई होना चाहिए, शेयर डी परचेस करवाऊंगा मैं आपको। सर अगर अभी EPS आएगा तो कैसे आएगा? अभी EPS आएगा तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन के साथ ज्यादा चांसेस हैं।
things are simple, we make them difficult. कल भी क्लास है सर, सही है? कल भी क्लास है। और सर कल कब से कब तक क्लास है? भाई सब क्लियर हो तो सब लिख दो ना सीसी। कुछ लोग सीसी लिखने में भी सुस्ती ना सर। रामील इंशाल्लाह बेटा बुक जो होगी उसको अभी लगेंगे 10 से 15 दिन, 15 दिन इंशाल्लाह लगेंगे आने में। क्यों सर क्यों इतना टाइम लगेगा? इसलिए लगेगा मेरा चंदा, आप लोग केएनएस से जो हैंडआउट जो होंगे वो ले लेंगे। सर कुछ चीज़ें मैं इंशाल्लाह उसमें एसीसीए की भी डाल रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ें डाल रहा हूँ, तो 15 दिन इंशाल्लाह लगेंगे। मैं दूंगा उसके बाद जो है उसको पब्लिश होने में लगेंगे 5-8 दिन, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो टेंशन ना लें हो जाएगी। कर लिया कॉपी, कर लिया कॉपी, सिंपल है सर। तो आए सर, एग्जामिनर जो है ना बड़ा तेज और तरार है। इसको इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं हम आईएफआरएस 9 की जबान में। और ये जो डिविडेंड छुपा हुआ है इसको कहते हैं इंप्यूटेड डिविडेंड। अब सर एग्जामिनर ने ना कहा मैं इनसे सवालात पूछूंगा और सवालात भी अच्छे वाले पूछूंगा। हमने कहा ठीक है सर, ठीक है जी। तो सर याद रखें ये ना समर 17 समर इस तरीके से आता था, और फिर शायद गालबन ये आखिरी दफा पूछा गया है, आखिरी दफा पूछा गया इफेक्टिवली समर 18 में। समर 18 के बाद सर इसको एग्जामिनर ने इतना मुंह नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया सर? इसलिए मुंह नहीं लगा क्योंकि एग्जामिनर ने कहा कि भैया सर ये खत्म कब होगा हमारा टॉपिक? ये इंशाल्लाह इस वीक खत्म है, ये इंशाल्लाह इस वीक खत्म है। मुझे वो याद आ गया, अल्लाह की कसम तू आज खत्म है। चले सर अल्लाह की कसम तू आज खत्म है। एक चले जी आगे आते हैं, तो हमने कहा एक चीज देख लेना, सर्च करेगा तुझे पता चलेगा ये क्या चीज है। अल्लाह की कसम तू आज खत्म है, ये अब्दुल गफ्फार इन पार्टी को तो जरूर पता होगा। चले मेरा बच्चा आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल है, ये सवाल आज की क्लास का इंशाल्लाह आखिरी सवाल है, और सवाल का नाम है समर 2017 में आया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50। सवाल का नाम है सज्जाद लिमिटेड। सही, अल्हम्दुलिल्लाह हम 50वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने बीच में, दो क्वेश्चन हमें अभी छोड़े, एक पोस्ट और एक उसका सर। और हमने कहा सज्जाद लिमिटेड में कह रहा है बेसिक अर्निंग पर शेयर मुझे निकाल दो, इसमें सर पार्टिसिपेटिव भी है और इसमें दूसरे वाले भी है। जल्दी से शुरू हो जाए, 10 मिनट दे रहा हूँ, अपना दिमाग लगाएंगे फिर हम बोर्ड पे करेंगे। बस आज की क्लास का ये आखिरी सवाल है। इन सवालों के बाद हमने कहा आज की क्लास सर बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। इसी तरीके से होगा मेरा बच्चा, थोड़ा सा टेक्निकल है सर, लेकिन इतना तो एग्जामिनर का हक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल इन द सेंस के जी सर एक एक करके चलें, पहले इम्प्यूटेड को निकालें फिर पार्टिसिपेटिव को, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा।
भाई सर इजी है, बहुत इजी है। पार्टिसिपेटिव का कॉन्सेप्ट याद रखना हो तो क्वेश्चन नंबर 28। बेसिक ईपीएस से 8 मार्क्स, मुस्कुराओ और ले जाओ। खुद से करें, गलती से ना डरें। पार्टिसिपेटिव की हमने कहा सर, वर्किंग होगी और इसकी भी वर्किंग होगी। के अंदर से मसला तो उसका है ही नहीं ना। निकाल दिया डिविडेंड एक करोड़ वाली चीज। सर थोड़ा सा आंखें खुली रख के करना है मेरा बच्चा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लास ए, क्लास बी, क्लास B1, क्लास B2, क्लास
हाँ भाई जल्दी से मुझे टेबल फुल करा देता है। 9 पॉइंट से तो आपने कहा जिंदगी गुलजार 100 ना नौकी पेमेंट 100। चले मेरा बच्चा आप लोगों ने खुद से करना है। बच्चे ने शायद एक गलती कर दी होगी। चले मेरा बच्चा कितने लोग यहां तलक सही कर चुके हैं, कितने लोगों ने ये सही निकाल लिया। 8.26। कर लिया या मैं करवाऊं बोर्ड पे या आप लोग कर रहे हैं। कर रहे हैं या मैं करवाऊं। मुझे कोई ये बता देगा एलोकेशन से पहले, मतलब जो एक हम वर्किंग बनाएंगे ना इक्वेशन वाली वर्किंग, उससे पहले प्रॉफिट कितना आया भाई। है तूने इसके वाले डिविडेंड को माइनस किया ही नहीं किया ऑर्डिनरी के डिविडेंड को। हो रहा है फिर तुमने गलती कर दी छोटी सी। चले भाई कितने लोगों का 98.74 आ रहा है बिफोर एट्रीब्यूटिंग, और कितने लोग सर ने सवाल दिया और फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियोस और पता नहीं क्या कुछ। नाइनटी एट पॉइंट सेवन फोर उम्मत का रहा है, लेकिन उम्मत ये भूल गई, ये भूल गई, ये उम्मत सड़ी उम्मत भूल गई। 98.74 जिस जिस का आ रहा है और जिस जिस जो जो यहां तक नहीं पहुंचा वो ये भूल गया। तुमने ये वर्किंग की इम्प्यूटेड डिविडेंड वाली 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए के शेयर 77.22 के थे। सही है सर, 100 मिलियन के शेयर 77.22 के करे। और अब आप जरा चेक करें प्रेफरेंस शेयर जो है इनका कैपिटल कितना है। इनका कैपिटल रुपीज 200 मिलियन के हैं। सर ये कितने के हैं अगर आप गौर से देखें, रुपीज 100 ईच के। इसने बताया कि एक शेयर 77.22 का हमने शुरू किया। सही है सर,
तो इसका मतलब यह है कि आपके पास ये जो वर्किंग आई है ना, ये तो आपने एक शेयर के हिसाब से कर ली। कितने शेयर के हिसाब से कर ली? एक शेयर के हिसाब से कर ली, 100 रुपए का एक शेयर इतना। अगर मैं 100 रुपए को 100 मिलियन समझ लूं तो ये आपने वर्किंग की है 100 मिलियन के हिसाब से, लेकिन ये कितने मिलियन है? 200 मिलियन है। चंदा ये पॉइंट समझे, ये वर्किंग जो मैंने आपको कराई ये 100 मिलियन के हिसाब से करवाई थी ना हमने सर। 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए के शेयर है ना सर। अब अगर आप शेयर कैपिटल देखें तो क्लास ए का शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है? 200। ये वर्किंग अगर हमने की 100 मिलियन के हिसाब से कि सर 100 मिलियन के जो शेयर कैपिटल है उसके बदले में अगर हमने 77.22 मिलियन हमें आज रिसीव हुए, तो हमने कहा 100 मिलियन के ऊपर इम्प्यूटेड डिविडेंड था 8.26। मानते हो कि नहीं मानते? 100 मिलियन का जो शेयर कैपिटल है उसके ऊपर इम्प्यूटेड डिविडेंड था। सपोज पूरी वर्किंग हमने कर ली 100 मिलियन के ऊपर ना, कि भाई 100 रुपए का शेयर 77.22 का है तो 100 मिलियन के शेयर के बदले में हमें पैसे मिल जाएंगे 77.22। तो हमने कहा ये 100 मिलियन जबकि शेयर्स कितने हैं? हाँ मतलब एक शेयर का ना, तो हमने कहा एक शेयर का अगर इंप्यूटेड डिविडेंड 8.26 आ रहा है तो तेरे पास कितने शेयर हैं? 2 मिलियन। 200 डिवाइडेड बाय सर, इसको यूं भी समझ सकते हैं एक शेयर के ऊपर 2016 में 8.26 का इंप्यूटेड डिविडेंड आ रहा है ना, तो तुम्हारे पास शेयर कितने हैं? 2 मिलियन। कैसे पता? 200 मिलियन का शेयर कैपिटल है और पार वैल्यू 100 थी, तो तुम्हारे पास 2 मिलियन थे, तो 8.26 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलियन। तो तुम जब यहां पर क्लास ए का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करोगे क्लास ए वालों की का, तो वो कैसे करोगे? 8.26 मल्टीप्लाई बाई 2। तो मेरा बच्चा ये समझ में आया? ये वर्किंग तुम या तो 100 मिलियन के हिसाब से कर लो या तो तुमने कहा एक शेयर के हिसाब से चलो कर लो। तुमने कहा 8.26 का एक शेयर के ऊपर इंप्यूटेड डिविडेंड है 2016 में, तो क्लास ए वाले कितने शेयर थे? 2 मिलियन। कैसे पता? 200 का शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय 100 तो कितने हैं सर? 2 मिलियन। तो 2 मिलियन के ऊपर इंप्यूटेड बना 16.52। क्या हो तुम लोग क्लियर? तो भाई लिख दो सीसी। सर क्लास बी पे आए और क्लास बी में कह रहा है प्रेफरेंशियल शेयर ऑन 1 जनवरी आर नॉन क्यूमुलेटिव, पेमेंट वर मेड ऑन 29 शेयर यूनिट, पार्टिसिपेट इन रिमेनिंग प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन टू ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सच प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड बिटवीन क्लास बी एंड ऑर्डिनरी इन सच अ मैनर दैट द प्रॉफिट पर शेयर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज ट्वाइस द प्रॉफिट पर शेयर ऑफ क्लास बी, एसएल अर्न प्रॉफिट 100-150। ये और इसने बता दिया इंटरिम डिविडेंड ऑर्डिनरी को मिला है 2.5 का, और फिर इसने बता दिया 6% क्लास बी प्रेफरेंस शेयर्स हैं 300 मिलियन के। तो सर जो ये 6% हैं 300 मिलियन वाले, ये जो 6% हैं 300 मिलियन वाले, इनके केस में तुम क्या करोगे? इनके केस में क्या करोगे सर? इनके केस में तुम करोगे 300 मिलियन इंक्लूड 6%, इनको पहले मिलेगा 6% जो कि कितना हुआ? 18। कितना हुआ सर? 18। सही है सर। फिर तुम आए ऑर्डिनरी वालों को जो मिल चुका है, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं कितने सवाल में देखो, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं कितने सवाल में देखो, आपने कहा सर ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 10 मिलियन, तो आपने कहा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 1000 डिवाइडेड बाई 100 का एक है तो 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन के ऊपर 1000 डिवाइडेड बाई 100 10 मिलियन, इसके ऊपर 2.5 कितना बचा? कितना हुआ? 2.5 मिलियन ना, नहीं 25 मिलियन। तो टोटल ये आपके पास बचा 90.48। अब सर इस 90.48 को तुम्हें यू करना है जैसे क्लास ए और क्लास बी और ऑर्डिनरी शेयर के दरमियान ना, उसने कहा ऑर्डिनरी का डबल है और इसका कितना है? सिंगल। ऑर्डिनरी का कितना है? डबल है, तो इसका मतलब है इसका है सिंगल। ऐसा ही है सर। तो अब हम आए सर इक्वेशन बनाएंगे, क्यूटी में आ गए सर। क्या इसको इक्वेशन के बगैर कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमको सर इक्वेशन हो जाए तो ज्यादा अच्छा रह जाता है ना सर। इक्वेशन कर चुके हम पहले भी, क्वेश्चन नंबर 28 इस किस्म का। लेट ए बी द डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स
मतलब इस 90 पॉइंट हमने कहा, और हमने कहा लेट बी इज द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सही है सर, ए ऑर्डिनरी का है और बी किसका है, प्रेफरेंस का है। तो हमने कहा आते हैं हम, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है कितने, 10 मिलियन है, ऐसा ये 10 मिलियन है भाई। तो हमने कहा 10 वालों को मिलेगा ए, और क्लास बी वाले कितने शेयर्स हैं, 300 का शेयर कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का है, तो वो कितने, 3 मिलियन। 10 ए प्लस 3 बी इज इक्वल्स टू 90 पॉइंट। ए शो कर रहा है कि डिविडेंड का अमाउंट कितना है, लेट ए बी द डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। बी हमने कहा हमें नहीं पता ना कितना अमाउंट ए और बी का, एक पर शेयर कितना मिलेगा, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 28 किया था वैसा है। तो हमने कहा सर ये 10 ए प्लस 3 बी इज इक्वल्स टू 90.48 है ना, ये मिलने के बाद अब 90.48 को ऐसे बांटना है। अब सर आते हैं आगे, और हमने कहा अब हमें पता है एक इक्वेशन हमारे पास हो गई है ना सर, दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं ये कह सकता हूं ए इज इक्वल्स टू 0.5 बी। ऑर्डिनरी को जो मिलेगा उसका आधा मिलेगा प्रेफरेंस को, या दूसरे अल्फाज में जो प्रेफरेंस को मिलेगा उसका डबल मिलेगा उसको, है ना सर। अब अगर आप इस वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 2 वाली है इसको डाल दें इसमें, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी ना। अब हमने कहा इस इक्वेशन को मेरा बच्चा मैं यहां पर नीचे सॉल्व करने लगा हूं आपकी खातिर, 10 ए प्लस 3 इंटू 0.5 सॉरी हम ये कह सकते हैं, हमने कहा कि अपना क्या कहते हैं b इज इक्वल्स टू 0.5 है, जो b वालों को मिलेगा वो जो है ये आधा होगा इसका जो के ऑर्डिनरी को मिलेगा, या वाइस वर्सा जो हमने कहा कि जो है ये डबल a इज डबल इनटू, तो आप ये कह सकते हैं b a इज इक्वल्स टू 2b, एक तो आप कर लें a इज इक्वल्स टू 2b, या आप करने b इज इक्वल्स टू 0.5 है। b इज 0.5 है क्या बता रहा है, कि जो प्रेफरेंस को मिलेगा वो ऑर्डिनरी वालों का आधा होगा, जो प्रेफरेंस को मिलेगा वो ऑर्डिनरी वालों का आधा होगा। या आप सर इसको दूसरी इक्वेशन ये भी बना के सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने सर पहले भी किया था, और हमने कहा था आप ये भी कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2b, इनको जो मिलेगा वो प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी वालों को जो मिलेगा वो प्रेफरेंस वालों से दोगुना मिलेगा। दोनों तरीकों से बात एक ही है, चाहे आप a इज इक्वल्स टू 2b करें, चाहे आप b इज इक्वल्स टू 0.5 ए कर दें, क्योंकि सर अगर इसको भी आप सॉल्व करें परेशान ना हो सर तो ये 1/2a बन जाएगा, बात तो एक ही है सर, है ना सर। तो हमने कहा हम आ गए u इज इक्वल्स टू 90.48 जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। सही है, तो भैया ये इक्वेशन क्या बनी, 11.5 a इज इक्वल्स टू 90.48, यही इक्वेशन बनी। अली हैदर कहाँ खो गया, ए कितना आ गया आपके पास, इस इक्वेशन को सॉल्व करें ए आएगा आपके पास कितना आ रहा है, ए इज इक्वल्स टू 90.48 डिवाइडेड बाई 11.5 कितना हो गया मेरा बच्चा, सर सिंपल इक्वेशन है, कितना हो गया 7.86। तो हमने कहा बस सर जिंदगी गुलजार हो गई हमारी, अगर ये 7.87 है ए तो सर बी कितना होगा, सर बी होगा हमारे पास 7.87 डिवाइडेड बाई 2, बी इज इक्वल्स टू 3.2 करते मल्टीप्लाई बाई 0.5 अल्लाह के वली 3.93। तो हमने कहा जिंदगी आसान, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 150 गिवन था, हम ईपीएस निकालने को आएंगे, तो हमने कहा क्लास ए का था 16.52 पहला वाला माइनस किया, क्लास बी पे आए 18 था हमने कहा ये माइनस किया पहला वाला, और दूसरा वाला तुमने निकाल दिया 3.93 इंटू 3 मिलियन शेयर से, भैया ये कितने बने जल्दी बता दो,
11.8, तो टोटल कितना हुआ? सर ऑर्डिनरी तो सिर्फ हमने वर्किंग के लिए माइनस किया था, वरना हम नहीं करेंगे। 103.68 तुम्हारे पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल आ गया। वेटेड एवरेज शेयर्स में यहाँ पे कोई मसला ही नहीं था, 10 थे। तुम्हारे पास ईपीएस आ गई 10.368 की मेरा बच्चा आपके पास आ गई ईपीएस। कॉपी कर लें सर, अभी क्लास ऑफ हो गई। नहीं सर, अभी थोड़ी सा टाइम और दे दें। तुम लोग क्या करोगे, घर पे जाके सोचोगे मेरी 10:30 बजे एक और क्लास है। सर वो एक सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही मोहब्बत में शुरू किया है, टैक्स का, कैफ 6। सर उसमें मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह टारगेट है कि 100% रिजल्ट ले आऊँ। लास्ट टाइम में 70% था, तो बस उसको कर लिया कॉपी। सर कितने लोग हैं जिन्होंने सही कर लिया था, ईमानदारी से बताओ। सर गलती आइडेंटिफाई करो, तुम देखो सवालों में क्या गलतियां करते हो। मल्टीप्लाई बाई टू करना भूल गए थे ना क्लास ए में, है ना सर? तो जब मल्टीप्लाई बाई टू करना भूले तो हमने कहा कि भैया ये तो हो गई गलती, अब इस गलती को लिखो, है ना सर? ये सवाल था समर 17 का। सर अभी ऑफ नहीं हुई है, चले सर। अब मैं आपको सर देखें, मैंने ना एक चीज शुरू की है, और ये पिछले जिन्होंने मुझे लास्ट टू बेस के कैफ में भी पढ़ा हुआ उनको भी पता है, मैं आपको एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ाता हूँ। अब क्योंकि हम जो सवालात कर रहे थे उनके शायद अवेलेबल नहीं रहते, सर इस सवाल का एग्जामिनर कमेंट अवेलेबल है, पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। इसका आईकेप की वेबसाइट से मैंने उठाया है। इसने कहा 5.35% कैंडिडेट सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। 100 में से बस 5 बच्चे ये सवाल, क्योंकि सर लोग करते ही नहीं ये सवाल ना सर। ईपीएस ऊपर ऊपर से अगर हम पढ़ा देना सर, तो आपको एक 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 आईएएस की एक एक कॉन्सेप्ट देना बहुत जरूरी। सही है सर, फिर आते हैं। और फिर हुआ ये था कि इम्प्यूटेड डिविडेंड को मिक्स करके उसने पूछ लिया था कि ये बात आईएएस के अंदर लिखी हुई है, लेकिन सर नहीं। फिर आते हैं, इम्प्यूटेड डिविडेंड टू क्लास ए प्रेफरेंस शेयर्स वाज इग्नोर्ड, नॉट डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट, कॉमन एरर्स बता रहे। अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, सम ऑफ द कैंडिडेट डिड कंसीडर द डिविडेंड बट मेड वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स इन कंप्यूटिंग इट एज दे कुड नॉट कंप्यूट द इंपैक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग। फिर कह रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स वर सीन इन डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स बिटवीन ऑर्डिनरी और इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग द ओवरऑल बेसिक अर्निंग्स पर शेयर, द डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर वर गिवन। मतलब बच्चों ने डायरेक्ट टोटल बेसिक नहीं निकाली और इस तरीके से की। सही है सर, सजेस्टेड आंसर भी देखें, आईकेएफ भैया ने भी इसका दे दिया है। अच्छा आप सुनिएगा सर, सिर्फ हम सजेस्ट ये कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे। देखो कमेंट्स आपको बहुत सारी बातें ना आईकेएफ के बारे में बताएंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम जो है सर, हम जाएंगे और हमने कहा हम इसका मार्किंग प्लान भी अगर अल्लाह करे अवेलेबल हो, ताकि आपको पता तो चले किस चीज़ के कितने मार्क्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, और आईकेएफ सर अक्सर चीज़ें उड़ा देता है। इसका मार्किंग प्लान पढ़ें, ताकि आपको सर ये पता चले कि बेटा जिंदगी गुलजार है, बेकार नहीं है। अब सर ये सवाल जो था ना, ये सवाल 8 नंबर का था। इसने कहा डिडक्शन ऑफ डिविडेंड टू क्लास ए एंड बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है सर, हमने कहा कि जो है कि अब आप देखें सर, डिडक्शन ऑफ डिविडेंड टू क्लास ए एंड बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम जो है, सर सुनिएगा, इसने कहा बेसिकली इन दोनों के पहले दोनों के आपको इसने दिए, इसके इन दोनों के दिए 3 मार्क्स। सही है सर, इन दोनों के कितने दे दिए आपको, मतलब डिडक्शन ऑफ डिविडेंड वाले के दे दिए 3 मार्क्स। फिर ये शख्स हमसे कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, क्या कह रहा है ये शख्स हमसे चिल्ला चिल्ला के, डिटरमिन ऑफ प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू क्लास बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जो क्लास बी जो है उनका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर था, उसका अगर आपने जो ये प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल की फिगर, मतलब उसने कहा ये और
इसको निकालने के मैं मार्क्स दे रहा हूँ इतने, सही है, मतलब डिडक्शन आप और ये इसके दे रहा हूँ कुल मिला के 4.5, थोड़ी सी ये भी वेक दी है 22-17 में, उसने नई नई मार्किंग स्कीम देना शुरू की थी, अब और इम्प्रूव हो चुका है। और उसने कहा अर्निंग्स पर शेयर का कितना है 0.5 मार्क्स। सर तुम कुछ भी नहीं करते ना, तुम्हें अगर ये चीज़ क्लियर थी, अगर ये सही निकाल देते तुम्हारा 1.5 मार्क्स, ये तो कुछ भी नहीं था ना सर, ये क्या था कुछ भी, ये 18, इसका कितना मार्क्स मिल जाता, 1 मार्क्स। और सर याद रखना आईकेप के अंदर जो ना ये चीज़ें याद रख, कैरी फॉरवर्ड नहीं होती चीज, तूने अगर ये फिगर गलत निकाल ली आईकेप हो सकता है इसके तेरे 1.5-2 मार्क्स काट लेता, लेकिन फिर अगर उसकी वजह से तेरी ये फिगर गलत आती और तूने ये दोनों चीज़ें सही लिखी तो उसको तुझे इसके पूरे मार्क्स मिल जाते। तो याद रखना सर पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं चीज़ों के। अच्छा इस सवाल के साथ मसला क्या हुआ, इस सवाल का मसला ये हुआ कि लोग जैसे अब तक हम सवाल के नॉर्मल सवाल आप करके प्रैक्टिस करके गए, पेपर में आ गया ये है ना सर, तो इसका लर्निंग आउटकम लिखें, फिर क्लास को ऑफ करते हैं, इसका लर्निंग आउटकम लिखें। पार्टिसिपेटिंग शेयर्स एंड इंक्रीजिंग रेट प्रिफरेंस शेयर्स इन सिंगल क्वेश्चन, पार्टिसिपेटिंग शेयर्स एंड इंक्रीजिंग रेट शेयर्स इन सिंगल क्वेश्चन। सही है सर, ये इसका लर्निंग आउटकम है, इसके ऊपर लिख भी लो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन 17 के बाद नहीं आया, रिजल्ट भी इसका बुरा था, अगर आईकेप ने पास पेपर बनाते हुए पिछले अटेम्प्ट में सवाल दे दिया, इसने कहा ये अभी भी शायद तैयारी करके इतनी अच्छी सी, बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ के जाता ना करके आए, तो आपने जो ये तैयारी रखनी है। सर आज की क्लास में 3 सवाल किए, पहला सवाल जो हमने किया उसके अंदर हमने क्या चीज़ सीखी सर, उसके अंदर हमने जो चीज़ सीखी वो ये सीखी कि आप एक्सरसाइज प्राइस 0 भी हो सकती है। दूसरा सवाल जो हमने किया उसमें हमने कहा फ्यूचर का एक्सपेंस भी ऑप्शंस के अंदर जा सकता है, और तीसरे सवाल में देख लिया इंप्यूटेड और पार्टिसिपेटिंग, इसमें ये चीज याद रखना था मल्टीप्लाई बाय 2 वाली शरारत बहुत सारे बच्चों ने मिस की होगी। तो मेरा बच्चा आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे कल 7:15 और करेंगे सवाल जिसका नाम है टाइगर। चलें मिलते हैं कल इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।